हरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑफ विद द क्रैश कोर्स। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द क्रैश कोर्स और स्मॉल थिंग्स विच एवरीवन नोज एंड द सेम थिंग आई वुड बी शेयरिंग। आपका अटेम्प्ट हो चुका है, हैव यू गिवन द वन अटेम्प्ट एटलीस्ट? हो सकता है एक या दो अटेम्प्ट भी हो गए हों, दैट्स नॉट अ कंसर्न। What the concern is, despite the thing that so much material is available both in the online and in the offline mode, you are unable to qualify even for the mains. Simple तो यही है ना। घर वाले आपसे क्या पूछेंगे, बेटा या बेटी mains लिख रही हो कि नहीं लिख रही, बात करता हूँ। As simple as that, इससे कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे, अगर आपने प्री क्लियर हो गया तो आधे पाप तो वैसे ही धुल जाएंगे। ऐसे में आधे पाप ऐसे धुल जाएंगे, क्या ठीक है मेरा प्री घर वाला पढ़ रहा है, मेंस हुआ नहीं हुआ चलो वो बाद में देखती है एक बार। तो व्हेन सच थिंग इज प्रेवलेंट कि द मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, स्टिल द कट ऑफ दैट वाज देयर इन 2018 वाज ओनली 98 आउट ऑफ 200। यही कट ऑफ गई थी, इससे ज्यादा कट ऑफ तो गई नहीं। नॉर्मली अगर हम पढ़ा रहे होते हैं, अगर पूछते हैं किसी से ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, सबको पता है एनसीईआरटी पढ़ लो, खुल्लर पढ़ लो, जीसी लियोंग पढ़ लो और एटलस देख लो। पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेसिकली एवरीवन नोज स्पेक्ट्रम पढ़ लो। एनवायरमेंट के लिए बुक बताओ, इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम हो गया, बोल दो मेरे को भी, सब मैं बड़ा ऐसा ही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस जय संजीव वर्मा, प्लस शंकर गणेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस इकोनॉमिक सर्वे। आर्ट एंड कल्चर के लिए दिस इज व्हाट, प्लस करंट अफेयर रह जाएगा। अगर सब कुछ पता है तो फिर कट ऑफ ये क्यों जा रही है? जो लोग हैं आईआईटी में टॉपर हैं, जो डॉक्टर में टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन कट ऑफ उनसे भी नहीं क्लियर हो रही है। दो दो तीन तीन साल में पंचवर्षीय योजना बना रखी है सबने, 5 ईयर प्लानिंग, रीजन क्या है इसका? अगर सब कुछ इस किताब में से आने लग गया तो मेरे को नहीं लगता कि, अगर ईमानदारी से और बेईमानी से मिला के पढ़ोगे तो भी साल में पढ़ ली जाएंगी सब कुछ, प्लस रिवीजन भी हो जाएगी, फिर क्यों नहीं हो रहा? व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इट? प्री सबको, सब सोर्सेस सबको पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पता है, और करंट अफेयर जो नहीं पढ़ा हुआ वो भी सबने पढ़ा होता है, जो काम का नहीं होता, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा? एनी रीजन बिहाइंड इट, स्पेसिफिक रीजन? टेस्ट सीरीज भी आप 4-4 लगा लेते हो, करंट अफेयर भी आप ले लेते हो, बाद में रद्दी में भेज देते हो, रीजन क्या है? प्री क्यों नहीं हो रहा? एनी सिंपल स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? क्या हो सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग, और एक तो चलो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है नॉट कमिंग, दूसरा लैक ऑफ एनालिसिस नहीं होता आप में है, एनालिसिस आप में नहीं होता, और कुछ एक दो एनालिसिस, रिवीजन नहीं हो पाता, एक और नेगेटिव मार्किंग प्री नहीं निकालने देता, कुछ और कुछ हाँ, मल्टीपल सोर्सेस पढ़ते हो। चलो एक बार इस पे कंसाइज रहते हैं, अगर ये कमियां पता है तो फिर भी क्यों नहीं दूर होती? कमियां तो पता है ना हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी ने कब बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? बोला ही नहीं। क्या जब फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है क्या कि इन किताब में से मैं उठा के लाइन बाय लाइन डालूंगा, जा डालेंगे हम, क्या लिखा होता? एनालिसिस नहीं कर पाते, पता है कमी यहां पे है,
पता है कि 2018 की बात कर रहा हूं, 19 की कट ऑफ नहीं आई इस वजह से, और 19 की भी कट ऑफ आएगी तो 101 या 102 पर ही रुक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्टली अगर लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत आप बहुत इंपॉर्टेंट बुक अगर मान रहे हो, तो 21 क्वेश्चन आए थे 2018 में, अगर यही होता, और शंकर जो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई पर्सनली बिलीव, जिसकी वजह से प्री होता है और जिसकी वजह से प्री रुकता है, इज गाइडेंस। अगर आपके पास सही गाइडेंस है, देन देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस दैट यू आर गोइंग टू क्लियर नॉट ओनली दिस बट द एग्जाम ऑल्सो। अगर गाइडेंस नहीं है, बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू रीड इज कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट, बट व्हाट नॉट टू रीड इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू रीड। क्योंकि आजकल के टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो अबंडेंस में है, उस कंटेंट में से क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सीरीज हैज टू बी सीन। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, सर टेस्ट सीरीज बना देते हैं हम आपकी। मैंने बोला खुद कितने बार इंटरव्यू दी है, तो सर प्री नहीं हुआ। मैंने बोला तेरा प्री नहीं हुआ, तू दूसरों को क्या बना के देगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको मैं, अगर खुद नहीं हुआ हाउ कैन दे गाइड अदर पर्सन। सर हम कंटेंट डेवलपर का काम करते हैं। मैंने बोला कितने बार इंटरव्यू दी है, कहता सर प्री नहीं हुआ। तेरा नहीं हुआ, तू कैसे कंटेंट बना सकता है। यहां पे स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है, बिकॉज जो एजुकेटेड होते हैं वो खुद पढ़ाने में मेहनत नहीं करते। एक ऐसा बंदा कंटेंट बना देता है जिसका खुद कभी प्री नहीं हुआ होता, और जो पढ़ाने का उसका एक दायरा ही चेंज हो जाता है। कंटेंट एंड द क्वेश्चंस आर बीइंग फाउंड ओनली बाय मी, और कोई नहीं है। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, अदर एजुकेटर्स वुड बी टीचिंग डिफरेंट थिंग, पर वो जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है या कुछ और पढ़ा रहे हैं, दैट इज ओनली डिसाइडेड बाय मी, पढ़ाना क्या है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रहे। पढ़ा रहे हैं द कंटेंट की क्या पढ़ाना है और कहां कहां से उठा के पढ़ाना, दैट इज सोलली बीइंग डिसाइडेड बाय मी। कल आप मेरे को आके पकड़ोगे, सर 70 क्वेश्चन क्यों नहीं आए बोल रहे थे, ठीक है, आप उनको नहीं पकड़ोगे। मैं मानता हूं इस बात, और सही भी है, क्योंकि आई एम सेइंग दैट थिंग कि 70 क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे तो आई एम लायबल फॉर इट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी सीन। अगर उस चीज को आप समझ लोगे कि व्हाट इज नॉट टू बी रेड इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, क्योंकि आज कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री क्लासेस आर अवेलेबल, ये अवेलेबल है फ्री टेस्ट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू शुड बी टू द पॉइंट कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, दैट इज वेरी मच एसेंशियल। अगर क्या पता लग क्या पढ़ना है, देन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन वाला ये फंडा है, आपकी मल्टीपल रिविजन हो पाएंगी, बिकॉज द अमाउंट दैट यू वुड हैव टू बी रीडिंग इज कंपेरेटिवली लेस। अगर कम पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाओगे, मल्टीप्लाई करो फर्स्टली। सेकेंडली आई गिव अ स्मॉल गाइडेंस इन द रिगार्ड वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, वी वुड बी कवरिंग लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत की हम बुक मार्किंग भी करेंगे। शंकर है, अप्रोक्सीमेटली 380 to 400 पेजेस आर देयर, इसके अप्रोक्सीमेटली 70 पेजेस के आसपास जो काम किए हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, मार्क प्लस जो सब कुछ करवाएंगे, और दैट वुड बी लाइन वाइज मार्किंग कि जो जो इंपॉर्टेंट है वही ही पढ़ेंगे, और डू इट 10 times। द सेम वुड ऑल्सो, खुल्लर की बुक है ज्योग्राफी की, लाइन वाइज लाइन उठ के आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000+ पेजेस है इस बुक के, जो हमारे काम के हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30 pages ही हैं। सेम थिंग शुड बी डन। नेक्स्ट इज एनसीईआरटीज आर देयर, मल्टीपल एनसीईआरटीज आर देयर, आई प्रिपेयर्ड द ओन सिनॉप्सिस ऑफ एनसीईआरटी, आपको सिनॉप्सिस और एनसीईआरटी मिल जाएंगी, जो जो उसमें काम का है वो पूरा करवा दिया जाएगा, एंड सेम थिंग वुड बी डन फॉर अदर थिंग्स। आई कैन अश्योर यू जितना 70 क्वेश्चंस बोल रहा हूं मिनिमम है वो, इससे ज्यादा आएंगे। अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं इफ यू आर एबल टू फिनिश जस्ट द 70% ऑफ दैट, आई कैन गारंटी कि आपका प्री नहीं रुकेगा। जितना पढ़ा दिया उसका भी 70% करके चले जाओगे ना तो भी प्री नहीं रुकने वाला, बिकॉज वी आर कवरिंग द क्रैश कोर्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। One thing has to be made it clear that जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसकी revision आप घर पे definitely करूं, because that would be followed by test. Test होगा. Along with this आपको और का घर पे करना पड़ेगा। We would be giving 30 questions per day.
के हिसाब से आपको मिलेंगे. दैट वुड बी योर होमवर्क. घर पे क्वेश्चन पढ़ो, ऐप पे आपको मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, उसके आंसर उसके मॉडल आंसर्स भी नीचे सब कुछ दिया होगा. यू कैन हैव एन एक्सेस टू दैट आल्सो. तो ये पूरे का पूरा आपका उसी में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस रिवीजन वुड बी डन. जितना करवा रहे हैं दैट कैन बी, उससे उतने में ही कवर हो जाएगा आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स, फर्स्टली. सेकेंडली, एक और फैक्टर जो प्री नहीं होता, जिसकी वजह से जो आप कहना मिस कर गए हो बिकॉज आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, कि दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इज द लाइब्रेरी कल्चर. एंड दैट ऑल्सो बेसिकली इन राजेंद्र नगर, बाहर का नहीं मेरे को पता. उसका एक रीजन है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने लगते हो, एक दो चीजें आपके जहन में होती हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर कि मैं यूपीएससी का सिलेबस देखूंगा या देखूंगी, एंड यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखूंगे. सब लोग इस पर पहले होते हैं, लेकिन जब एक अटेम्प्ट हो जाता है उसके बाद कितने लोग इसको देखते हैं? आप क्या करते हो, आप यूपीएससी को नहीं देखते, आप इस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा ली, इस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा ली, और आपका अल्टीमेटली एम उस टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करना है कि यूपीएससी में अच्छा स्कोर करना है? एक उस टेस्ट सीरीज में आपके आपको 160 भी आ रहे हैं ना, तो भी यूपीएससी में अकेले 60 नहीं आएंगे. ये भी है, कोई गारंटी थोड़ा ना है. और यहां पे 60 आ रही है और यहां पे यूपीएससी में 120 नहीं आ सकते, ये भी कोई गारंटी नहीं है, वहां भी आ सकते हैं. Because we are going for exam of UPSC, therefore the standard of UPSC has to be maintained. उसी हिसाब से पढ़ोगे, first thing this has to be there. इस और यहाँ पे क्या होता है, library में है यार, वो ये current affair पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है, मेरा वो ना छूट जाए कहीं, वो जो दूसरा पढ़ रहा है. मानते हो इस बात को? होता क्या है, हम जो इंपॉर्टेंट होता है उसको भी छोड़ के ऐसी चीजें पढ़ने लग जाते हैं जो दूसरा पता नहीं क्या ऐसा ब्रह्मस्त्र निकाल के छोड़ देगा जो यूपीएससी में मेरे से नहीं निकल पाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. फर्क क्या है, आज वो पढ़ रहा है कल आप पढ़ लोगे, आज आप पढ़ रहे हो कल वो पढ़ लेगा. दैट इज ओनली डिफरेंस. आपको एक सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पे, जब एक दो अटेम्प्ट हुए था, फियर फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फियर फैक्टर को यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग मैगजीन्स आते हैं. पहले तो मंथली मैगजीन निकाल देते हैं, फिर साल में 365 निकाल देते हैं. मैं तो खुला बोलता हूं, जो रियलिटी है वही है. इस 365 भी आ गया, मंथली पढ़ लिए, चलो ठीक है. किसी भी मैगजीन उठा लो, कोई भी मैगजीन उठा लो, एक मैगजीन में कितने पेज होते हैं अप्रोक्सीमेटली? 45 तो होते ही नहीं किसी में, किसी में 80 होते हैं, किसी में 150 भी होता है. हाँ, उसमें तो 150 भी टपा रहे हो तो पता नहीं क्या लिखता है. एवरेज लगा लो 100 पेज दोनों का, एक में तो काम चलता नहीं है, आपको ही पता नहीं पता है. और ये 1200 पेज है, और वो भी टाइप मटेरियल में, टाइप ही होगा ना, प्लस 365 भी खरीदोगे, ये कितने पेज होंगे? एक में 60-70 होंगे, टोटल कितने होंगे? 7-8, चलो ऑन एन एवरेज हम लगा था 300 पेज लगा लेते हैं, राउंड फिगर सा हो जाएगा 1500. खुद पेपर दे चुकी हूं, सीनियर से पूछ लेना, और एक्सपीरियंस और यूपीएससी के बाद में वेबसाइट से भी देख लेना जो कमेंट पेपर के बाद में आते हैं. ठीक है, 2017 का पेपर, 2018 का पेपर, 2019 का, हम प्री की बात कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि 1500 पेज पढ़ने से आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं तो ये पढ़ते रहना. अगर आपको लगता है कि नहीं सॉल्व हुए हैं तो क्यों उस कुएं में दोबारा से कूदने जा रहे हो, जब पता कि वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला. एक बात पक्का है, खुद बोल रहे हो कि यहां से 15 क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, और पढ़ोगे भी फिर वही. ऐसा क्यों है? एक माइंड सेट बनाया हुआ है, एक लाइब्रेरी कल्चर ने, यार वो पढ़ रहा है मैं भी वही पढ़ू, पता नहीं मेरा क्या छूट जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब तक इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलोगे, द टाइम यू डू नॉट कम आउट ऑफ दिस थिंग, और उसके बाद 1500 पेज पढ़ने के, अरे एक सिंपल सी बात, अगर 1500 पेज में से अगर 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कूड़ा पढ़ के चले जाओ उसमें भी 4 क्वेश्चन आ जाएंगे ना. एक सिंपल सी बात है, कुछ भी पढ़ के चले जाओ, अगर लेना तो एक जो एक आता है, एक 10-15 पेज का मंथली मैगजीन भी आता होगा किसी का, वो पढ़ के 4 तो क्वेश्चन तो उसमें से भी आ जाएंगे. अचीवमेंट थोड़ा ना हुई है, एक सिंपल पहली बात. दूसरी बात, एक हमारा माइंड सेट किस तरीके से हमने खुद ही बनाया हुआ है, ये काफी हद तक. मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप ये खुद एनालिसिस नहीं करते, कितने आते हैं आइडिया सिर्फ मॉडर्न के?
अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस आर कमिंग एंशियंट में, 3 क्वेश्चंस आर कमिंग मेडिवल में, 2 क्वेश्चन, ये लेकिन नॉर्मल ट्रेंड है हिस्ट्री में जो देखने को मिला है. इसके लिए आप क्या पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम के पेज कितने हैं, अब तो 700 अभी क्रॉस कर गया है ना. ऐसा लगा लो कि 1 क्वेश्चन पर 100 पेजेस हो गया, और साथ में से कर कितने पाते हो, 4 क्वेश्चन. तो मतलब रेशियो मेरे को निकालनी नहीं आती, हिसाब में कमजोर हूं. एंशियंट के लिए क्या पढ़ते हो, अगर पढ़ोगे भी तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, वर्स्ट केस 200 पेज होंगे. बढ़िया बड़ी कैलकुलेशन करके देखो कौन सा प्रॉफिट रेशियो बढ़िया है. 200 में से, 2 में से, 3 में से 2 तो करोगे, 3 तीनों नहीं 2 तो करोगे डेफिनेटली. तो कैलकुलेशन करके देख लो क्या क्या सेटिंग आ रही है, हमें लगता है. और यहां पे भी वही है, कैलकुलेशन करके देख लो क्या रेशियो, कैलकुलेट करके देखो. और हमें एक माइंड में क्या बिठाया जा चुका है यार, नहीं एंशियंट मेडिवल छोड़ो मॉडर्न करके जाते हैं. तो यहां पे रेशियो देखो ना किसमें ज्यादा हो रहा है. व्हाट वी वुड बी डूइंग इज, ये 700 पेज तो पता नहीं क्या लिखते हैं. मॉडर्न में अप्रोक्सीमेटली वी वुड बी कवरिंग 100 पेजेस, 120 हो सकते हैं मैक्सिमम. एंशियंट में अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस, मेडिवल में अप्रोक्सीमेटली 60 पेजेस, 250 टू 260 पेजेस के आसपास होगा. इसका सबका, सबके बाप का भी बाप है ये नोट्स. जो इसमें सब कुछ नहीं है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा. यहां पे अगर 12 क्वेश्चन में से सब पढ़ने के बाद 5, 6, 7 कर पाते हो, यहां में से 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर पाओगे. ये शॉर्टी है, हमें क्वेश्चन निकालने पड़ती हैं. कहां से निकालना है, अल्टीमेटली व्हाट आई एम एमिंग इज कि आपके कटिंग वटिंग करके 60 क्वेश्चन ठीक हो जाए आउट ऑफ 100. अब ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कौन से 60 ठीक करवाऊं. यूपीएससी ऐसा बोलता है कि अगर इसका करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, इसका करोगे 3 नंबर मिलेंगे, या कट ऑफ नेगेटिव ज्यादा नहीं. अल्टीमेट एम है कि 60 क्वेश्चन शुड बी राइट आउट ऑफ 100, कोई से भी 60 हो. तो हम पूरी कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही लेके चलेंगे, क्वेश्चन कहां से निकालने हैं कोई भी हो. अल्टीमेटली व्हाट एवर कंसर्न इज की 60 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए. आप अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सुने सुने हैं डेफिनेटली. 10 क्वेश्चन मैं अभी बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे हिसाब से जो हमने नहीं करवाए होंगे डेफिनेटली है, और आपने भी नहीं सुने होंगे, जहां सुने होंगे आता नहीं होगा. हमारा 100 में से नहीं है, हमारा टारगेट है वो 90 में से ही निकालने हैं. 10 क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं कि 10 क्वेश्चन इज आउट ऑफ माई डोमेन. यूपीएससी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगी जो हमने करवाया नहीं होगा. हम एक्चुअली फर्क क्या कि मैं बोल देता हूं दूसरे बोलते नहीं है, बस इतना ही फर्क है. वो बोल देते हैं आप 100 में से 100 हम ये करवा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है, कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने इतना करवाया उसमें से 90-100 में से अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. फिर यूपीएससी कैसा अगर ऐसा निकल जाए तो बस. हमारा टारगेट है 60 में से हमने 90 में से हमने 60 क्वेश्चन सही करने. अब प्रैक्टिकल टारगेट एंड प्रैक्टिकल टारगेट दैट हैज टू बी अचीव्ड, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं. कोई हार्ड एंड फास्ट वंडा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो इसी हिसाब से हम इसका भी करेंगे और दूसरा भी करेंगे. जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, या एनसीईआरटी या एंशियंट पढ़ी है, या मेडिवल पढ़ी है, एक क्लास अटेंड कर लो, उससे पता लग जाएगा कि उसके बाद उसका पढ़ने का फायदा है, या हम जो नोट्स देंगे वो पढ़ लेना. तो नोट्स विच आर गिविंग, अभी बहुत टाइम है, द टाइम इज मोर सफिशियंट. इतना भी टाइम में जो करवा रहे हैं उसका भी 70% करके चले जाओ, तो नुकसान नहीं है. यू विल बी कंपेरेटिवली ऑन अ बेटर साइड. लेकिन इससे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फोर्स इज द ट्रस्ट फैक्टर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आपको ट्रस्ट है हमके ऊपर की सर इतने सालों से निकाल रहे हैं लोगों का, प्रीलिम्स हेल्प कर रहे हैं, तो इस बार भी निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर यहां पे आके पढ़ के जाओगे, जो एंशियंट मैं पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, मैपिंग पढ़ोगे, फिर इधर उधर भी देखोगे, कोई फायदा नहीं है. ना ये कर पाओगे और ना ये कर पाओगे. ये तो मेरे को पता ही है, स्कैटर्ड है जो कुछ, एक जगह पे मिलेगा नहीं. जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं कर पाओगे. ट्राई टू एक एक दो क्लास में आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाएगा. हाँ, जो मैंने पढ़ा था और जो सर पढ़ा रहे हैं, दैट इज एक नोट्स उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, लेकिन कवरेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. तो उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे. दैट वुड बी द ट्रेंड दैट वुड बी फॉलोड फॉर ऑल द क्लासेस. बिफोर वी स्टार्ट अप विद द क्लास, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम योर साइड, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, शुरू करें. चलो
कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। नोट्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से ही बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक बार सुनो क्योंकि समझ जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि एनालिसिस नहीं हो पाता, ये क्वेश्चन है। जब एक बार सुनो, कुछ नहीं लिखना, जो लिखवाना होगा मैं खुद बोलूंगा, खुद डिक्टेट करूंगा, अपने आप लिखोगे गलत लिखोगे, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हो, दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज जो इंपॉर्टेंट है, जो जो करना है वो मैं करवा रहा हूं। द फर्स्ट थिंग चैप्टर वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद, कुछ नहीं, बुक भी बंद रखो, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ सुन लो एक बार। वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद स्टोन एज, एनीथिंग यू नो अबाउट द स्टोन एज, कुछ भी आता है, वाइल्ड ऑफ द वाइल्ड गेस, ये पढ़ा ही नहीं, स्टोन कटिंग टूल्स, और कुछ पैलोलिथिक था, कुछ सुना हुआ, हाँ है, कॉपर, और हाँ ठीक है, और कुछ, हाँ फूड गैदरिंग, और कुछ, अच्छा चलो ठीक है, और कुछ उस ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो खोल रहे हो, और कुछ, चलो ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टाइम पीरियड, द बेसिक थिंग्स दैट आर देयर इज इट हैज बीन बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, द न्यूलिथिक, तीनों को डिवाइड किया गया है। पैलियो शब्द, लिथ शब्द का मतलब एक चीज तो कॉमन होगी, इस फर्स्टली स्टोन, पैलियो मींस पुराना, मीजो मींस मिडल वाला, और नियो हमने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए नए वाला बना के रखा हुआ है। अगर हम वाइडली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, द टाइम पीरियड दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, पैलोलिथिक की बात करते हैं, इसको भी तीन में डिवाइड किया गया है आगे। फर्स्टली लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक, इट हैज बीन डिवाइडेड। And the time, next thing is, time period हमें पता होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसके लिए। If you talk about the time period of Paleolithic age, it is 10 lakh BC that starting and starts and up to 10,000 BC. जिसमें से अगर इसकी बात करते हैं तो 10 lakh BC to 1 lakh BC, first thing, 1 lakh BC to 23,000 BC to 10,000 BC, normally divide करते हैं, this is from 10,000 BC to 7,000 BC and this 7,000 BC onwards, normally condition है, दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा पता, एक आइडिया हो जाए कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। लिथ मीन्स स्टोन, एक तो क्लियर हो गया, सेकेंड थिंग इज पुराना, मिडल वाला और न्यू स्टोन, दैट इज बेसिकली बीन डिवाइडेड। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पुराना मीन्स लोअर, मिडल और अपर पैलोलिथिक की जब बात करते हैं, और इसमें से भी व्हेन वी बेसिकली टॉक अबाउट द लोअर पैलोलिथिक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज फ्रॉम 10 lakh BC टू 1 lakh BC, 10 lakh साल पहले या 10 lakh BC में आपको, दिस वॉज बेसिकली अ फेज विच रिप्रेजेंटेड द लास्ट फेज ऑफ द ग्रेट आइस एज। अगर हम लास्ट फेज ऑफ ग्रेट आइस एज, बेसिकली ऑल्सो रेफर टू एज प्लेस्टोसिन पीरियड, लास्ट फेज द ग्रेट आइस एज का, जिसको हम प्लेस्टोसीन पीरियड भी बोलते हैं।
firstly. Secondly, an animal, the human beings has not developed or evolved as the we are seeing in the present context. Develop nahi hue the, evolve nahi hue the, jis tarike se hame, they were basically living in the jungles and with the animals only. Initially, the animal, the human being that were there was Homo habilis. Homo habilis shabd ka matlab pata hai? Mean hand using men. Haathon pe haathon bhi use karke aise chalte the. With the passage of time, the Homo habilis developed into Homo erectus. Means their position became straight. Normally, agar hum leke chale, ho jo hona chahiye, insaan ke dimaag jyada hota hai, ja animal ke dimaag jyada hota hai. Main use karne ki baat nahi kar raha. Normally, kya mana jata hai ki jyada kiske hota hai? Insaan ke, because n number of positive and negative developments we are carrying on. Firstly, at that point of time, when Homo habilis se leke, hum dheere dheere with the, kyunki ye time period bahut bada hai, 10 lakh BC se leke, 9 lakh BC, to 9 lakh saal ka hai. Aisa nahi ki Homo habilis ekdam hi Homo erectus, dheere dheere with the passage of time, we would be evolving into that thing only. Dheere dheere isi tarike se hum chal rahe the. The brain has not developed, firstly, and the climate was comparatively extreme. Agar brain developed nahi hai, क्लाइमेट एक्सट्रीम है, आप क्या आप अपना इंडिपेंडेंट घर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? इंडिपेंडेंट घर नहीं बना पाओगे तो कहां पे रहोगे? केव्स में. तो केव्स जो होंगी वो नेचुरल होंगी कि मैन मेड होंगी? प्रॉब्लम इसमें, द केव्स वर कंपैरेटिवली नेचुरल बिकॉज द क्लाइमेट वॉज कंपैरेटिवली एक्सट्रीम, फर्स्टली. सेकेंड पॉइंट, केव्स आपको प्लेन एरियाज में मिलेंगी या हिली एरियाज में मिलेंगी? They were basically living in the hilly areas. अगर hilly areas में रहेंगे तो वहां के water की availability होगी कि नहीं होगी? Obviously की rivers तो होती हैं hilly areas में. Hilly दो चीज़ है, अगर आप हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार में गंगा काफी ज्यादा wide हो जाती है, लेकिन किसी भी और hill station में ऊपर कहीं पे plain areas को छोड़ के hilly areas में, तो river comparatively कम area में होती है. Therefore it is easy to cross. Firstly, secondly, अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं, जंगलों में ज्यादा डेंस एनिमल होते हैं या कंपेरेटिवली हिली के फुटहिल्स में ज्यादा डेंस एनिमल्स, ज्यादा डेंजरस एनिमल्स होते हैं? जंगल के अंदरों में अंदर होंगे, ज्यादा डेंजरस एनिमल के फुटहिल्स में होंगे, कंपेरेटिवली अंदर. इसलिए दे विल नेवर बी गोइंग इन साइड डीप इन टू द जंगल्स, एंड देयर फोर दे विल बी बेसिकली लिविंग इन द फुटहिल्स. फुटहिल्स में रहने का दो कारण थे, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर. सेकेंड, यहां पे हमने यूज किया था वर्ड लिथ. लिथ मीन्स स्टोन. तो यहां पे दे वर इन अ पोजीशन टू गेट स्टोन आल्सो, और उसी स्टोन को अलग अलग तरीके से कटिंग वटिंग करके उसको एनिमल्स को मारने की कोशिश करी जा रही थी. दैट वॉज वॉट वॉज देयर. बिकॉज द ब्रेन हैज नॉट डेवलप्ड, दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव इंडिपेंडेंट हाउसेज ऑफ देयर ओन, दे वर फोर्स टू बेसिकली लिव इन द हिली एरियाज, नेचुरल केव्स एंड फुटहिल्स, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोन वॉज देयर. अगर स्टोन की बात करती हैं, फुटहिल्स में बड़े पत्थर मिलेंगे छोटे पत्थर मिलेंगे? छोटे कैसे मिलेंगे? जब बड़ा पत्थर टूट के नीचे गिरेगा तो बड़ा होगा ना यार, छोटे तो आगे आगे जाके जैसे पानी से कटते जाएंगे आगे आगे जाके छोटे होते. इट विल द बिग बोल्डर्स दैट वुड बी देयर. जब आप पत्थर जैसे ही टूटता है उस शेप में होता है, जब रैंडम शेप होती है, ओवल शेप होता है, कोई भी किसी भी रैंडम शेप में हो सकता है. देयरफॉर द स्टोन वाज देयर एंड दे यूज्ड टू मेक द टूल्स आउट ऑफ दिस स्टोन्स, एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल इस शेप का स्टोन टूट गया, उन्होंने ये अंदर वाला हिस्सा रख लेते थे, बाहर वाला हिस्सा तोड़ देते थे. अंदर वाला अगर हम अर्थ भी पढ़ते हैं, कोर मेंटल क्रस्ट होता है, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? कोर. देयरफॉर अंदर वाला हिस्सा रखना, बाहर वाला तोड़ देना, दैट इज बेसिकली नोन एज देसी भाषा में टेक्निक ऑफ, याद रखने की जरूरत नहीं है, अंदर वाला रखना, बाहर वाला तोड़ देना, ऊपर वाला क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग होगा. दे आर बेसिकली लिविंग इन द केव्स. यहां पे एनिमल यहां पे है, बड़ा पत्थर है, उठा के तो मार नहीं सकते, ऐसे फेंकते थे, ये मर जाता था, कभी लगता कभी नहीं लगता, तुक्का मारते थे, ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली. सो देयरफॉर इट वाज बेसिकली इन दिस रिगार्ड ओनली दैट होमो हैबिलिस वाज देयर. द टेक्निक दैट वाज देयर, दैट वाज बेसिकली द टेक्निक ऑफ कोर दैट वाज यूज्ड टू मेक द टूल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्टली. एंड द टूल्स वर बेसिकली मेड ऑफ क्वार्टजाइट.
क्वार्टर्स एक्स छोड़ना है जो फुटहिल्स में मिलेगा उसी से बनाएंगे, हैंड एक्स बना लिए, क्लीवर्स बना लिए, चॉपर चॉपिंग मतलब ऊपर वाला हिस्सा तोड़ के वो बना दिया। सबसे ज्यादा टूल आपको देखने को मिलते हैं सोहन वैली में, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कभी कभी सोहन वैली कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कि एक ही जगह पे एक ही तरह के टूल्स बनते हैं, गोल बनाने या कैसे भी है, देयरफॉर इट वाज आल्सो रेफर्ड टू अस सोहन वैली कल्चर इन दिस, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गंगा में गंगा वाले रीजन में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस था, देयरफॉर द लोअर पैलोलिथिक साइट्स वहां पे क्या इन द लोअर पैलोलिथिक साइट व्हाट वुड बी टेकिंग प्लेस, वो कभी भी इनसाइड मूव नहीं करेंगे। In the lower Paleolithic site, the evidences have been found from almost whole of the country except the Gangetic Valley. ये question आ चुका है. Why? Because the jungle was comparatively dense and the people was not there. People, the no tools were there, जिसकी वजह से उसको cut कर सकते हैं और fire की knowledge भी उस time पे नहीं थी. यहाँ तक कोई problem? अब पूरा दिन ऐसा नहीं चलो ठीक है एनिमल मार दिया उसको दो चार दिन तो उनका खाने का जुगाड़ हो जाता होगा, जब दो चार दिन खाने का हो जाता होगा जुगाड़ ठीक है अब पूरा दिन फ्री क्या करेंगे वो। और यूपीएससी भी नहीं थी फ्री क्या करेंगे वो, दे वुड बी इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन पेंटिंग। देयरफॉर द एविडेंस ऑफ पेंटिंग हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक और मेसोलिथिक और कुछ कुछ नियोलिथिक टाइम पे भी भीमबेट का और अलग अलग जगह पे पेंटिंग के एविडेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेंटिंग कौन से टाइम पीरियड के हैं, यहां पे फंस जाते हो। भीमबेट का तो सुन लिया आपने, सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा ना यूपीएससी। इन सब जब पूरे टाइम पीरियड की बात करते हैं, पेंटिंग सब टाइम पीरियड की पाई गई है, लोअर पैलोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक फेज तक, लेकिन सबसे ज्यादा पेंटिंग और भीमबेट का भाई दैट बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह उसके बाद दूसरे टाइम पीरियड को, एंड अगर पेंटिंग है तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, बनाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत इनिशियल फेज में दिमाग डेवलप होने लग चुका था, क्यों हम होमो हैबिलिस से लेके होमो इरेक्टस तक इमर्ज होने लग गए थे तभी तो पेंटिंग बनाएंगे। और भीमबेट का में कुछ ऐसे एविडेंसेस भी है जहां पे आप आर्टिफिशियल रेजिडेंस करने लग गए हो, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत घर बनाने का थोड़ा सा पता लग चुका है, तो मतलब पेंटिंग बना रहे हैं मतलब ब्रेन आ चुका है। पेंटिंग किसके बनाओगे, कलर्स तो करने आते नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं आता, जो पत्ते मिल गए या कुछ और मिल गए उसी से ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, उससे बना लेते थे। पेंटिंग किस चीज की बनाएंगे, जो एनिमल्स वो देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कम्युनिटी में रह रहे हैं, या किस किस तरीके एनिमल को घेर के वो मारती हैं, दैट वाज देयर। सो मल्टीपल थिंग्स हैज बीन सीन इन दिस रिगार्ड ओनली, एंड द कहां हमें कौन कैसे पता लगता भी कौन से एनिमल्स उस टाइम पे एग्जिस्टेंस होते थे, दैट कैन बी नोन ओनली फ्रॉम द पेंटिंग दैट हैज बीन फाउंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेसेस। अलग कोई प्रॉब्लम? वेरियस इंपॉर्टेंट साइट्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स वर देयर, द लार्जेस्ट साइट इज अडिनचल्लूर। Is there and the most one of the most important site is Athirampakkam. Is the important site. So therefore, various things have been regarding to this only, and the paintings have been found at different places. This is basically in the context of the Lower Paleolithic period. लोअर से हम धीरे धीरे मिडिल पैलोलिथिक में मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत दिमाग हमारे पास आ चुका है। एविडेंस कहां से पता लगता है, द पेंटिंग्स दैट वाज देयर। और भीमबेट का में देखो, भीमबेट का में आप बुक्स में पढ़ते हो तो पेंटिंग का पढ़ते हो, लेकिन भीमबेट का में कभी ये नहीं पढ़ते यहाँ पे आर्टिफिशियल रेजिडेंसेस के एग्जाम्पल भी आपको मिलती है। एविडेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेजिडेंस का मतलब आपके थोड़ा बहुत दिमाग आ चुका है। देयर वर सम पीपल, देयर कंपैरेटिवली स्टार्टेड थिंकिंग, क्यों हमारा एवोल्यूशन हो गया था, होमो हैबिलिस से हम होमो इरेक्टस बन चुके थे इन द फर्स्ट फेज ओनली। व्हेन वी आर मूविंग इनटू फ्रॉम द लोअर टू द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड, वी वुड बी मूविंग इनटू होमो सेपियंस आर्किक। विच मींस थिंकिंग मैन। अभी थिंकिंग मैन इमर्ज हुआ है, मॉडर्न मैन इमर्ज नहीं हुआ, थिंकिंग मैन इमर्ज हो चुका है।
अगर थिंकिंग मैन है, आर्टिफिशियल रेजिडेंसेस का थोड़ा सा है, सम पीपल वुड बी कंपेरेटिवली एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने वो क्या बोलेंगे, चलो ठीक है गंगा यमुना द्वाब तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है, लेट्स मूव इन टू दैट रीजन ऑल्सो, पर बहुत ही लिमिटेड एरिया में होगा एंड लिमिटेड एरिया में पेनिट्रेशन होगी। इस वजह से ओनली वन साइट, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ओनली वन साइट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द गंगा यमुना वैली दैट बिलोंग्स टू द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड दैट साइट इज कल्पी। और कोई साइट ही नहीं है जो गंगा यमुना दुआब में, आपको एक ही एग्जांपल देखने को मिलता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज इन महाराष्ट्र इज नेवासा। नेवासा को टाइप साइट बोला जाता है। टाइप साइट का मतलब, विजय पानी दे, टाइप साइट का मतलब एक ऐसी साइट है जिसमें आपको उस एज के पूरे फीचर देखने को मिल जाए, उसको बोलते हैं हम टाइप साइट। तो अगर आपको बोले कि नेवासा टाइप साइट कौन सी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की, इट इज नेवासा। अगर आप सेकंड क्वेश्चन कैन बी विच इज द ओनली साइट दैट बिलोंग्स टू मिडिल गंगेटिक मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, जहां पे एविडेंसेस पाए गए हैं, दैट इज बेसिकली रेफर टू एज कल्पी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? दे आर मूविंग टू थर्ड फेज इज अपर पैलियोलिथिक पीरियड। नहीं नहीं नहीं, साउथ इंडिया अतिरम्पक्कम, both of them basically are found in southern valley tamil nadu mein। moving into the upper paleolithic period, time is 23000 bc। to 10000 bc from where it is found, basically this is a point when the modern man emerged, homo sapien archaic se leke hum homo sapien se merge hone lage। That was the modern man that emerged, and the earliest evidence of the modern man has basically been found from the Narmada region, Narmada Valley se paya gaya, firstly। Secondly, modern man hai to kya rational bhi hoga aur practical bhi hoga? Stone to pehle se use kar rahe the aur animals ye inke paas tha, usko maar ke kha lete the aur haddiyan bach jati thi। Insaan sochta haddiyon ko bhi kyun na kaam mein le le, जब मांस तो खा ही रहे हैं हड्डियों भी काम ले रहे हैं। देयरफॉर दे स्टार्टेड मेकिंग यूजिंग बोन टूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले बोन टूल्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके पास होमो सेपियन सेपियन या जब तक आपके पास मॉडर्न मैन इमर्ज नहीं होगा। थिंकिंग मैन आ चुका है लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है कि मैं मॉडर्न उसको प्रैक्टिकल है। हमें कैसे पता लगता है? वी कम टू नो बेसिकली फ्रॉम वेरियस टूल्स। फॉर एग्जाम्पल केव्स हैं, बिलास रंगम केव्स, मचताला चिंता केव्स, केव्स हैव बीन फाउंड। यहां से पता लगता है द डेवलपमेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नॉट ओनली दिस, पेंटिंग जो चल रहा था पहले का कंटिन्यू रहा, पेंटिंग के साथ साथ यहां पे क्या इमर्ज होने लग गया? एनग्रेविंग। पेंटिंग वर ऑलरेडी डन, गोइंग ऑन पेंटिंग के साथ इंग्रेविंग शुरू हो गया। हमें कैसे पता लगता है? अ शेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग हैव बीन फाउंड, वहां पे क्रॉस लाइंस बनी हुई है ऐसे करके, पहले बार इंग्रेविंग, इससे पहले इंग्रेविंग का एविडेंस ही नहीं होता। दीज आर द वेरियस डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द पैलियोलिथिक पीरियड। कोई प्रॉब्लम? एक बार पढ़ो इतने को, रीड फर्स्ट टू पेजेस। बारिश आ रही है अभी भी? दोबारा इधर आ जाओ, थोड़ा दिखेगा नहीं वहां से।
लिख लो एक बार, वहां पे लिखा नहीं हुआ। मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में कल्पी इज द ओनली साइट, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में लिखो कल्पी इज द ओनली साइट फाउंड इन द गंगा यमुना दुआब रीजन, फाउंड इन द गंगा यमुना दुआब रीजन। इसके मिडिल वाले में लिख लो, KALPI। गंगा यमुना दुआब रीजन। हो गया। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक फेस, टाइम पीरियड क्या है, जब प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड की हमने बात करी थी, वी डिड दैट इट वाज बेसिकली द लास्ट फेज ऑफ द ग्रेट आइस एज, मतलब उसके बाद आइस वुड बी स्टार्टिंग टू मेल्ट, ऐसे ही होगा, उसी को बोलते ग्रेट फेज। देयरफॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द प्लेस्टोसीन पीरियड एंडेड एंड द होलोसीन पीरियड बिगेन। और इस फेज का, इस पीरियड का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ब्लोइंग ऑफ द हॉट ड्राई विंड्स। जब इससे पहले जब प्लेस्टोसीन पीरियड की बात कर रहे थे, द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीम, तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जो बच्चों की डेथ वो ज्यादा होगी या कम होगी? यहां पे द टाइम पीरियड इट हैज कंपैरेटिवली ब्लोइंग ऑफ द हॉट ड्राई विंड्स, तो डेथ कंपैरेटिवली कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी? हेयर द पीपल वर बेसिकली फोकसिंग अपॉन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। फोकस होता था इनका कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग किया, एंड दैट वाज इन अ पोजीशन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। अब हंटिंग द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एंड द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वाज नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इससे पहले क्या हुआ था, पीपल क्या करते, उनको लोगों उनको एनिमल्स को मार देते थे, पहले मार के खा लेते थे, ठीक है। उसके बाद उनको लगा जब रैशनल मैन इमर्ज हो गया तो उसकी हड्डियां भी यूज करी जा सकती हैं। अब और थोड़ा सा दिमाग में काम कर लगा, अगर हम उनका दूध क्यों नहीं पी सकते,
Therefore, they started. If the population was increasing, hunting plus food gathering was not in a position to fulfill the food requirement. Therefore, along with hunting and food gathering, men for the first time took to domestication of animals. Koi problem abhi tak? Domestication of animals was taken. Firstly, if there is second point, if there is a blowing of the hot and dry winds, और पहले जहाँ पे इंसान रह रहे थे वो पानी के आसपास ही रह रहे होंगे, पानी के बिना तो जुगाड़ चलेगा नहीं, काम चलेगा नहीं. Therefore, पानी के आसपास रह रहे थे. One thing becomes clear, अगर hot dry winds blow कर रही है तो कहीं तो पानी सूखेगा भी सूखेगा, जहाँ पे कम होगा वो सूख जाएगा. For example, this is a map of India. यहाँ पे पानी सूख गया, लोग इधर मूव करेंगे जहाँ पे वाटर अवेलेबल है. यहाँ पे है वो भी मूव करेंगे अगर सूख गया तो. कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पे वाटर विल बी अवेलेबल इन अबंडेंस, पीपल वुड बी मूविंग टू दैट एरिया. जब मूव करोगे तो क्या आपस में लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, मैंने यहाँ पे रहना है तुमने यहाँ पे रहना है. देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम द एविडेंस ऑफ वॉरफेयर हैज ऑल्सो बीन फाउंड ओवर हियर. जब तक ये नहीं होगा तो आपस में लड़ेंगे नहीं लोग. वॉरफेयर, ये लोग इधर मूव करने लग गए बिकॉज दे वर बेसिकली इन द प्लेन एरियाज. इन लोगों के साथ क्या होगा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं? अगर यहां पे आइस मेल्ट होने लगी तो क्या होगा? फ्लड आएंगे. ये लोग भी तो मूव करेंगे इंटीरियर में. दीज पीपल दे ऑल्सो मूव्ड इन टू द इंटीरियर रीजन जहां जहां पे वाटर वॉज अबंडेंट. देयरफॉर द होलोसीन पीरियड विल हैव मल्टीपल इंपैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट दैट पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज द डेथ वुड बी डिक्रीजिंग एंड द पीपल विल बी फोर्स टू माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया इन सर्च ऑफ अ लैंड इन सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर वाटर वॉज अबंडेंट या वाटर वॉज अवेलेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. वहां पर मूव करेंगे, आपस में लड़ाई भी होगी. कुछ लोगों में आपस में सहमति भी हो जाएगी, चलो यार लड़ना क्यों है, पानी है इतना ज्यादा, साथ में रह के भी खा पी लेते हैं. होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिटी लाइफ विल इमर्ज. जब तक ये होगा कम्युनिटी लाइफ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट है, एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली होता जाएगा. कम्युनिटी लाइफ विल बी इमर्जिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जब कम्युनिटी लाइफ इमर्ज होगा वो अपना काम करते रहेंगे. एक बात तो श्योर है कि हिल से उतर के नीचे प्लेन एरियाज में आ चुके हैं तो अब पत्थर आपको बड़े मिलेंगे कि छोटे मिलेंगे? ठीक है, बड़े पत्थर को मारोगे ऐसे मार सकते हो? नहीं मार सकते. छोटे को मारोगे तो क्या निकलेगा? फायर आ गई है. अब मीट कच्चा खाओगे कि पक्का खाओगे? पका के मीट खाओगे, जो लोग खाते हैं. मैं तो भी अंडा भी नहीं खाता. ठीक है, ठीक है, मीट पका के खाओगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगी कम होगी? पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज्ड बिकॉज़ विद द एडमिशन ऑफ द फायर. जब तक छोटा पत्थर आएगा मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ होगा, उससे पहले कुछ भी कर लो फायर आ ही नहीं सकती. तो क्या क्या पैलोलिथिक टाइम पीरियड में फायर आएगी? नहीं. जब तक पत्थर छोटा नहीं हुआ फायर कहां से आ गई यार? ऐसे कंसेप्ट. फायर आ गई, अभी भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग चल रही है, साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया है. मतलब अभी भी लोग अभी भी इन जानवरों को मार रहे हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, इंसान है, यहाँ पे एनिमल खड़ा है. इसको ऐसे मारोगे कि ऐसे करके मारते हो? ऐसे स्ट्रेट कैसे मार लोगे यार? क्रिकेटिंग बॉल फेंकोगे, ऊपर से फेंकोगे ना, तभी जाके उसके सिर पे लगेगी, मार देगा. जब ये हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल. इसको क्या बोलते हैं? एंगल पे फेंकना. देयरफॉर जब तक छोटा पत्थर नहीं होगा टेक्निक का प्रोजेक्टाइल आ ही नहीं सकती. कोई प्रॉब्लम? ये पता लग गया साहब अब क्या हो गया, यहां पे एनिमल खड़ा, सीधा मारो कमांड से. जब तक टेक्निक का प्रोजेक्टाइल आएगी नहीं, बो एंड एरो का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता. धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, एवरीथिंग वॉज देयर. देयरफॉर दे कीप ऑन डेवलपिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड देयरफॉर द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग. द स्टोन्स दैट वर देयर दे वर सो स्मॉल, इवन 5 centimeters इन लेंथ. And the stones that were small in the Mesolithic time period are known as, therefore the stones comparatively became small and techniques of advanced techniques were developing at this point of time. The population was increasing, the community life was developing for the first time. यहां तक कोई प्रॉब्लम जो इतना पढ़ाया है, बस इसके आगे करते हैं. द पेंटिंग जो सब आपको बताया था, पेंटिंग सबसे फेज तीनों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से में है? मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पेंटिंग पाई जाती है. द एविडेंस ऑफ नॉट ओनली भीम बेट का बट द एविडेंसेस ऑफ पेंटिंग हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अदर प्लेसेस. फॉर एग्जांपल भीम बेट का तो है ही है. आदमगढ़, एक तो आप नाम याद रख लोगे, मिर्जापुर उसके ऊपर मूवी बन चुकी है, अरे प्रतापगढ़.
ठीक है. देयरफॉर द पेंटिंग्स हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम द डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ एंड बेगोर. आपस में लड़ेंगे भी. द अर्लीस्ट लड़ाई सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहां होती है? अरे आज भी उत्तर प्रदेश में. ठीक है. देयरफॉर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द वॉरफेयर विल बी फाउंड फ्रॉम सराय नहर राय इन यूपी. लड़ाई पंजाब में भी होती है, पंजाब में दुश्मनी होती है, यहां पे लड़ाई होती है. हमारा फिर वो एजेस में चलता है. सराय नहर राय वॉज एविडेंस ऑफ दैट हैज ऑल्सो बीन फाउंड महादामिया. नेक्स्ट थिंग, आप अगर प्लेन एरिया में मूव करोगे तो नेचुरल केव्स तो मिलेंगी नहीं, आपको एक आर्टिफिशियल घर बनाना पड़ेगा. आर्टिफिशियल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक रूम बनाना है तो पोल तो साइड में गाड़ने पड़ेंगे ना. जो पोल थोड़ा सा खुदाई करेंगे फिर उसके ऊपर डंडा खड़ा होगा. दैट इज रेफर टू एज पोस्ट होल्स. द एविडेंस ऑफ पोस्ट होल्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट महादा. पढ़ो जी एक बार. अच्छा एक एक पॉइंट रह गया. माइक्रोलिथ्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स हैव बीन बेसिकली फाउंड फ्रॉम पटने, PATNE. ये पटने है महाराष्ट्र में, दूसरा पटना है वो बिहार में है. ठीक है, पढ़ो एक बार. समझाने लगा रट्टा ज्यादा नहीं मारना पड़ेगा. हो गया. चलो नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज. टाइम पीरियड द क्लाइमेट दैट वॉज गेटिंग बेटर इवन अर्लियर. जो पहले चल रहा था उससे भी क्लाइमेट बेटर हो रहा था. द पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली और इंक्रीज हो जाएगी.
हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, नाउ इट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स, एंड देयरफॉर मैन वुड बी फोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर. देयरफॉर द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड हैज बीन कमिंग फ्रॉम नियोलिथिक फेज ओनली. फर्स्ट वन, जब एग्रीकल्चर होगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक दो दिन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा. दैट विल बी टेकिंग टाइम, अप्रॉक्सिमेटली 6 months, 8 months अलग अलग होगा. ये तो एक बात तो श्योर है. तो एग्रीकल्चर आ जाएगा जब आपको 6 से 8 महीने एक जगह पे रुकना पड़ेगा, 4 महीने भी हो सकता है अलग अलग जगह पे, तो क्या आप उसकी फसल की देखोगे भी? और सब क्या पूरे एरिया प्रोडक्टिव है या कुछ कुछ एरियाज प्रोडक्टिव आज के कंटेक्स्ट में भी? People will be moving to that areas only. तो वहाँ पे क्या होगा? For the first time जब agriculture आएगा, इसका synonymous effect क्या देखने को मिलेगा आपको? Village life. जब तक agriculture नहीं आएगा, village life आ ही नहीं सकता कुछ. Therefore that will also develop for them. चलो agriculture होगा, 6 महीने बाद फसल होगी, एक दिन में ही खा जाओगे? नहीं, कुछ आगे वाले 6 महीने के लिए भी तो बचा के रखनी है. तो बचा के रखनी किस में रखोगे, स्टोर करोगे? Therefore, जब तक एग्रीकल्चर नहीं आएगा तब तक पॉटरी आएगा ही नहीं. इनिशियली द पॉटरी वॉज हैंडमेड एंड लेटर ऑन इट वॉज व्हील मेड पॉटरी. व्हील आ गया इंसान के पास. जब व्हील आ गया प्लस एनिमल उनके पास सही है तो क्या बनेगा? Therefore, cart came into the first time in the Neolithic time period. जब cart आएगा mobility increase होगी कि decrease होगी? जब cart आ गया that is mobility increase हो जाएगी. जो लोग यहां पे अब एक से दूसरी जगह पे move कर रहे हैं या कुछ और काम करने के लिए move कर रहे हैं, वही लोग बाद में traders बन जाएंगे हरप्पन्स के time में. और जो लोग बाद में जब later वैदिक time period भी हम करेंगे वैश्यास class जब होगा, तो यही लोग बाद में वैश्यास बन जाएंगे जो इस engagement करेंगे. Why? Because these people, they had a good knowledge of the roots that was there. इनको पता था कहाँ से किधर move करना है. क्यों? जब domestication of animal शुरू हो चुका था तब तो भी जाते थे वहाँ पे domesticate करवाने. यहाँ पे mobility increase होगी तो आगे पीछे move कर रहे हैं. These people, they had a good knowledge and understanding of the trading routes, जिसकी वजह धीरे धीरे वो generation by generation develop होगा. It emerged for the first time. Firstly, इतने में कोई problem है जो अभी किया है? ठीक है, मोबिलिटी हैज इंक्रीज. इसी चीज को क्या बोलते हैं? एग्री नियोलिथिक रेवोल्यूशन. द वर्ड इज रेफर टू एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज रेवोल्यूशन शब्द का क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है उसको? वो तो ट्रांसलेशन हो गया ना. अलग अलग टाइम, अलग अलग रेवोल्यूशन इज अ लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज. नॉर्मल शब्द का मतलब ये है. जब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखा जाएगा, कहां भी रेवोल्यूशन हुआ है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इट विल ऑलवेज बी अकम्पेंड बाय ब्लडशेड. कहीं भी रेवोल्यूशन हुआ, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन है, चाहे कुछ भी और रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन है, इफ इट इज इन द साइड ऑफ पॉलिटिक्स, द लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज अकम्पेंड बाय ब्लडशेड. अगर ग्रीन रेवोल्यूशन है, अगर डेवलपमेंट वहां पे लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज अकम्पेंड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एंड अदर एस्पेक्ट, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे का पूरा. क्यों? एग्रीकल्चर आने की वजह से पूरे का पूरा एक स्केल डेवलप हो गया, उसकी वजह से विलेज लाइफ होगी, लोग इकट्ठे रहने लगे, हैंड पॉटरी आ गई, एक्स वाई जेड थिंग्स स्टार्टेड डेवलप. फर्स्टली एक बात श्योर होगी कि नियोलिथिक एज इज एसोसिएटेड विद द कमिंग अप ऑफ द एग्रीकल्चर. क्या आज भी अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, हर जगह पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन सेम है या फर्टिलिटी सेम है कि डिफरेंट है? इट इज कंपेरेटिवली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो. जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट है, राजस्थान में डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है. एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि न्यूलिथिक एज मीन्स एग्रीकल्चर. न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड कितना है? 7000 BC. अगर 7000 BC आ चुका और वहां पे एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ तो क्या हम बोलेंगे वहां पे न्यूलिथिक एज शुरू हो गई है? इसी वजह से जब न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे शुरू होगा, देयरफॉर वी वुड बी रेफरिंग कि जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया इसकी वजह से है. फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द न्यूलिथिक एज बिगिन अराउंड 7000 BC एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट इज मेहरगढ़.
देखते आपने सुना होगा मेहरगढ़ का नाम फेमस. इट इज ओवर हियर दैट अलोंग विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वर आल्सो कैरिड आउट. दीज पीपल दे ग्रो वीट, बार्ले एंड कॉटन, एंड दे वर द अर्लीस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन. जब इनकी बात करते हैं ये अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होता है इतना. नेक्स्ट थिंग, नॉट ओनली दे वर देयर अर्लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, बट दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई मर जाएगा, दे वॉज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बरिंग की बरियल और कैसे करेंगे. वॉट दे यूज टू डू वॉज दे यूज टू फॉर्म अ पिट. पिट मतलब खुदाई करी, गड्ढा कवर बना ली. इस पिट में डेड बॉडी के साथ दे यूज टू है, दे यूज टू कीप गोट ऑल्सो. ये स्पेसिफिक फीचर पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. दिस स्पेसिफिक फीचर बरील ऑफ द डेड बॉडी विद द गोट, या गोट के साथ डेड बॉडी, बॉडी गोट बरी कर दे, दिस स्पेसिफिक फीचर दैट इज फाउंड इन द मेहरगढ़ रीजन विल नॉट बी फाउंड एट एनी अदर प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. देयर फॉर सिमिलैरिटी सर्टन डिफरेंसेज वर देयर इन डिफरेंट रीजन. फर्स्टली, सेकेंडली, सेकेंड थिंग इज एक और रीजन है बेलन वैली इन यूपी रीजन. यहां पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया 7500 बीसी में, तो हम वो क्या बोलते हैं नियोलिथिक एज इन द वेलन वैली रीजन. इट स्टार्टेड अराउंड 7500 बीसी. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है. एंड देयर देयर वर डिफरेंट इंपॉर्टेंट साइट्स व्हिच आर देयर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट इज कोल्डियावा. अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज चोपानी मांडो. एक्सेट्रा. Various important sites are there. The people of Koldihawa, they were the earliest producer of the rice. And they produced both the cultivar and the wide variety of the rice also. Chupani Mandu also, various huts have been found. Circular hut or oval shape hut banai gayi hai. Another important site is Mahagada. Here the evidence of the post holes have also been found. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे न्यूलिथिक एज शुरू हुआ, दैट इज बेसिकली द कश्मीर रीजन. कश्मीर में एग्रीकल्चर 3000 बीसी में शुरू हुआ. क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट पहले सुटेबल नहीं था. तो हम क्या बोलेंगे, द न्यूलिथिक एज इन कश्मीर वैली स्टार्टेड इन द 4000 साल का गैप है, डिफरेंस चल रहा है, दैट वॉज देयर. एंड एक दो इंपॉर्टेंट फीचर है जो पूरी के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट साइट्स आर बुर्जा होम एंड गफकराल. इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज पिट डवेलिंग. शब्द का क्या मतलब है? पिट मतलब खड्डा, उसमें खड्डा कर दिया जमीन में और यहां पे लोग रहने लगे. हेयर द स्टेट्स वर बीइंग फॉर्म्ड, और यहां पे कोई फायर रख देते थे ताकि अंदर ज्यादा गर्मी ना हो. इस वजह से दिस फीचर ऑफ पिट डवेलिंग हैज नॉट बीन फाउंड इट एनी अदर प्लेस. हम जब मेहरगढ़ कर रहे थे तो डेड बॉडी के साथ कौन से एनिमल को बरी करते थे? गोट. हेयर देयर विल बी अनदर स्पेशल फीचर जो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं देखने को मिलना, डेड बॉडी के साथ द बरियल ऑफ द डॉग वाज आल्सो डन. दिस फीचर विल नॉट बी फाउंड एट एनी अदर प्लेस. Certain evidence of the use of copper has also been found over here, limitedly. Firstly, then coming to the eastern part of the country, basically in the Bihar region, eastern valley, East India, the important site is Chirand in Bihar. Their evidence of has been found. आपको normally पूछ सकते हैं Chirand site कौन से time period को belong करती है. Next is the northeast India. The Neolithic age started around 2000 BC, 2000 BC के आसपास शुरू हुआ. अब दूसरी जगह पे हम next topic cover करेंगे, हरप्पन civilization. वहां पे हम developed form urbanization चल रही है और यहाँ पे क्या चल रहा है? Neolithic age. यहाँ पे क्या चल रहा है? Neolithic age. अलग अलग टाइम पीरियड, एक सेम टाइम पीरियड पे अलग अलग सिविलाइजेशन वर कॉन्टिन्यूसली टू ग्रो, दैट वर टेकिंग प्लेस. यहाँ पे Neolithic में दो इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ की, ये क्वेश्चन आ चुका है, नहर काटिया एंड डियोजली हेडिंग. द स्पेशल फीचर वॉज हाउ द एक्स वॉज टू बी मेड. द एक्स का फ्रंट वाला पार्ट द टीथ वॉज मेड इन सेपरेट वे, वो कहीं और जगह आपको देखने को नहीं मिलता.
दीज टू साइट्स कश्मीर वैली एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन दे आर प्योर नियोलिथिक साइट्स. इसका क्या मतलब प्योर नियोलिथिक साइट्स का मतलब? उस टाइम इससे पहले इन दो जगह पे आपको पैलोलिथिक और मेजोलिथिक के फीचर नहीं देखने को मिलते हैं. दे आर प्योर क्यों? बिकॉज द क्लाइमेट वॉज कंपेरेटिवली एक्सट्रीम ओवर देयर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन वहां पे अभी तक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या कुछ और देखने को नहीं मर्ज हुई थी. नेक्स्ट ईयर साउथ इंडिया, इट स्टार्टेड अराउंड 2500 BC के आसपास शुरू हुआ. द नियोलिथिक एज स्टार्टेड ओवर देयर एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज वर डन. एनिमल्स वर बींग डोमेस्टिकेटेड, एग्रीकल्चर वॉज बींग कैरिड आउट. और एनिमल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कैटल. हमें कैसे पता लगेगा कि कैटल वहां पे था? इट इज बेसिकली फ्रॉम द एश माउंट दैट हैज बीन फाउंड. एश माउंट क्या होता है? अब जैसे गांव में जाते थे काउडंग केक्स कैसे बने होते हैं ना, द एविडेंस ऑफ दैट हैज बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल उतनूर, कुपगल, evidences have been found which gives an evidence that they were basically there. Pottery has been found from all the places except one place, that is Sangankallu. Isko chhod ke har jagah pe pottery mili hai. Any doubt? Ek bar padho ji. जितना करवा रहे हैं उतना ही पढ़ लेना घर पे जाके. इतना तो पढ़ा नहीं होगा पहले डाइवर्सिटी से, इतना पढ़ लेना. और एंशियंट हिस्ट्री 100 pages में ख़त्म है, ठीक है? और एक जगह पे सब कुछ आपको कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है. इसको ही याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज ओनली थिंग दैट विल गेट यू थ्रू. अगर नॉर्मली क्या होता है, जब एक बार पढ़ा होता है ना, दूसरी बार क्लास में बैठना बड़ा मुश्किल लगता है. यार पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ तो पढ़ा रहे हैं. मैं मानता हूँ ये, अगर आपकी जगह पे मैं भी बैठा होता, ठीक है, और एक दो अटेम्प्ट दिए होते और बैठा होता, क्लास में बैठना बहुत मुश्किल है. उसका एक रीज़न है. उसका रीज़न है कि आपने 70% तो पढ़ा हुआ है और 30% आपने पढ़ा नहीं हुआ. ये 70% आपको कभी भी 30% सीखने नहीं देता. ये 70% होता है, कभी भी 30% आपको सीखने नहीं देता. इसकी वजह से क्या होता है, अगर कट ऑफ 98 है, आपके मार्क्स आर 95,
अगर कट ऑफ 105 है आपके मार्क्स है 102 103, कट ऑफ 110 है आपके मार्क्स है 108। और इसी चक्कर में फंस जाते हो कि यार मैं तो ये तो आता ही है, आता है लेकिन प्री क्यों नहीं निकल रहा, घर वाले तो क्या बोले बेटा हो गया कि नहीं हो गया ये बता मेरे को, ऐसे सिंपल है सर। तो अगर इस क्लास में बैठ जाओगे और 30% सीख लोगे, अगर पढ़ा हुआ सब कुछ तो नया नहीं बता सकता, हड़प्पा एरिया आपने पढ़ा होगा, कुछ और तो एडिशनल मैं कॉम्प्रिहेंसिवली बता दूंगा आपने भी पढ़ा होगा। अगर इस 30% को आप कवर कर लोगे तो ये वाला है आपका स्कोर, इसी को 120 प्लस करवा देंगे, इसी स्कोर को 30% ही कवर कर, क्योंकि एक तो आपकी रिवीजन करवा देंगे हम कॉम्प्रिहेंसिवली, सेकंडली जो पढ़ा रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी वजह से क्या होता है, एक दो अटेम्प्ट के बाद क्लास में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एक बात दूसरी भी साथ में है, जब तक बैठोगे नहीं तो। और एक सिंपल सी बात, अगर बाई चांस किस्मत अच्छी हुई 105 कट ऑफ और 106 भी आ गए, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 40 दिन में कभी पढ़ पाओगे आराम से? नहीं पढ़ पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कट ऑफ अगर 105 के आसपास जा रही है, 104 जाएंगे या 106 जाएंगे ये भगवान को पता होता है, एक आधा ऊपर नीचे हो गया बाहर। और अगर लेकिन अगर आपकी कट ऑफ 105 है और आपका स्कोर 120 के आसपास है, क्या दूसरे तीसरे दिन से पढ़ने लग जाओगे कि नहीं लग जाओगे? और दूसरी बात, अगर 40 दिन नहीं पढ़े तो ये समझ लो कि अगले बार प्री फिर दे रहे हो, 40 दिन नहीं पढ़े तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका मेंस का गड़बड़ हो चुका है, उतना तो कृपा हो चुकी है उसकी। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो करवा रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी काफी हद तक पड़ी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा होगा जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इंटरलिंकेजेस मिलेंगी और उससे ही एक पेपर निकलने में आपको फायदा होता है। चलो पढ़ो जी इसको। कल अप्रोक्सीमेटली शेयरिंग अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस स्टूडेंट्स दे केम, जिसका इंटरव्यू कॉल आ रही है, जो हमारे पास पढ़ रहे थे, पढ़ा तो उन्होंने भी वही था जो पढ़ा रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे थे, कुछ आंसर राइटिंग बैच में थे, कोई किस बैच में था, अलग अलग बैचेस में थे। तो कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे थैंक यू कहने के लिए आए थे, सर ठीक है आपकी वजह से हो गया। मैंने बोला हमारी वजह से कुछ नहीं होता, हम तो सिर्फ पॉलिश करने के लिए, आपकी मेहनत है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो कॉमन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आता तो था, सुना सुना था, लेकिन आपने हम में जो आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर दिया उसको एक सिंक्रोनिसी में दे बता दिया कि ऐसे पहला दूसरा और ये मेजर पॉइंट है जो आपको फोकस करने हैं, कि दैट इज व्हाट दैट थिंग दैट गॉट अस थ्रू। वो द स्टूडेंट उसका तो मैथ बेचारा बिगड़ गया था, मैथ का पेपर फर्स्ट पेपर बता रहा, मेरे को तो मैथ का ABC भी नहीं आता, वो उसका बिगड़ गया था। और लेकिन कहता सर GS आपकी वजह से काफ़ी हद तक सही हो गया है। देखो हम तो सिर्फ गाइड करने के लिए हैं, नॉलेज आपकी है उसको अच्छे तरीके से पॉलिश कर देना है। अगर आंसर राइटिंग में 12 नंबर का क्वेश्चन है या 15 का है, या 3 तो सबके आ ही रहे हैं ना, उसी सेम नॉलेज से अगर आपके साथ कर दिए जाए, प्लस थोड़ा सा ऐड कर दिए जाए इनटू द टॉप 50, यही फर्क पड़ता है। थोड़ा सा पॉलिश, नॉलेज है आपकी, थोड़ा सा एड ऑन कर दो, थोड़ा सा पॉलिश कर दो, और आंसर तरीके, आंसर का प्री का आंसर निकालने सिखा दो भी कैसा होता है, ऑटोमेटिकली आपके 120 पास हो जाएंगे। नहीं तो पंचवर्षीय योजना मत बनाना, बस ये देखना। चलो जल्दी बढ़ो, फिर आगे करते हैं। चले आगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया हुआ पॉटरी कल्चर, इसको हम बाद में करेंगे जब एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे। नेक्स्ट इज इंडस वैली।
क्या आता जी इसके बारे में, कुछ भी आता हो इसके बारे में, एनीथिंग ऑफ इंडस वैली, अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, और कुछ कॉपर यूज, ब्रॉन्ज, हाँ वो तो कॉपर चल रहा था, ब्रॉन्ज हो गया, हाँ टिन मिला दिया, और कुछ रिलीजन भी थे, हाँ ड्रेन सिस्टम भी था, और कुछ कैसे, हाँ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और कुछ ग्रेट बात देखने को मिला, और कुछ सील्स था, ट्रेड था, और कुछ, हाँ और कुछ ब्रेक्स थी, ट्रेडिंग सिस्टम था इनका, अच्छा और कुछ, ग्रेनरी थी, यस टाउन प्लानिंग भी था, यस मर्चेंट क्लास भी थे, और कुछ सिटाडल भी था, और कुछ चलो ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे ये लोग, आर्यन से, और कुछ ये लोग के कौन थे कि जिसने इंडस वैली बसाई है, मेसोलिथिक वाले लोग थे, और कुछ ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स, चलो हम कर रहे हैं, हमने पैलोलिथिक किया, पैलोलिथिक से मेसोलिथिक पे मूव हुए, मेसोलिथिक से नियोलिथिक से हुए, एंड नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हेयर इट वाज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, हेयर इट वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लस द एग्रीकल्चर दैट वाज देयर वाज, शब्द का क्या मतलब है, जितना प्रोडक्शन किया उतना ही खा पी, ये कुछ नहीं छोड़ा है, नहीं कमर्शियल तो अभी कमर्स वर्ड तो नहीं, क्योंकि तो जितना प्रोडक्शन किया उतना खा लिया, देसी भाषा में ये समझ लो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज देयर, कि जितना पैदा कर रहे हैं उतना ही खा रहे हैं, द एनवायरमेंट वाज गेटिंग इवन बेटर एंड द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, नाउ इवन द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, मेहरगढ़ है इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन ज्यादा प्रोडक्टिव है या इंडिया का रीजन ज्यादा प्रोडक्टिव है, अफगानिस्तान तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान में चलो रिवर है वहां पे, मतलब द एरिया वाज प्रोडक्टिव बट इट वाज नॉट प्रोडक्टिव टू प्रोड्यूस एन एग्रीकल्चर दैट वाज सरप्लस, पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, नियोलिथिक टाइम के पास विलेजेस तो स्टार्ट इमर्ज होने लगे थे, वेरियस विलेजेस दैट स्टार्टेड इमर्जिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, मेहरगढ़ में आसपास में कहीं ज्यादा विलेजेस इमर्ज होने लग गए थे, लेकिन इवन द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग, इवन द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज नॉट इन अ फुल पोजीशन टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, देयरफॉर मैन स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि यहां तो हमारा गुजारा नहीं होता, कहीं और चलते हैं यार रहते हैं, वन ऑफ द एरिया दे मूव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिफरेंट रीजन वॉज इंडस वैली रीजन, the land that was here was comparatively more, not only more fertile but also rich in various minerals that was there, is tarike se civilization aage badhne lagi, jab logon ko laga yaar yahan pe production zyada hai, dusre ko laga chalo tum bhi wahan pe aa lo yaar, wahan pe badhiya mahol hai, mahol minerals sahi hai, sab kuch hai wahan pe, theek hai to log wahan pe move karne, now the villages started emerging in this region, अब यहां पे क्योंकि पहले विलेज कल्चर तो आ गया ना बनाना, द विलेजेस दे स्टार्टेड इमर्जिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड वेरियस विलेजेस दे स्टार्टेड इमर्जिंग, एग्रीकल्चर है, व्हेन एग्रीकल्चर वाज डन ओवर हियर, एग्रीकल्चर वाज कंपैरेटिवली सरप्लस एग्रीकल्चर दैट वाज देयर, फॉर पहले क्या होता था, अगर 10 लोग पीपल लगे हुए हैं दे वर एबल टू प्रोड्यूस 10 क्विंटल्स, नाउ दिस वाज बेसिकली द मेहरगढ़ रीजन,
या अदर रीजन ऑल्सो वेन दे मूव इन टू द इंडस वैली रीजन नाउ इवन द फाइव पीपल वॉज फ्री टू प्रोड्यूस 10 क्विंटल. यूपीएससी फिर नहीं थी, मतलब पांच लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे पांच लोग. देयरफॉर लेकिन पांच लोगों को जो फ्री हुए थे पीपल, इनको अपने खाना तो मिल ही रहा था ना, प्रोडक्शन उतना हो रही है. देयरफॉर दे स्टार्टेड टेकिंग फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ ना कुछ बनाने लग गए. अब जो बनाएंगे आप ऐसा थोड़ी ना कि चलो एक दूसरे में बेच देते हैं, आगे पीछे भी कुछ ना कुछ तभी तो कमाई होगी. देयरफॉर दिस वेंट फॉर therefore it was these people who started moving from this region to Indus Valley region prepared a solid material base on the basis of which the Indus Valley civilization could be starting. koi problem isme yahi log the jo aage wale ek se dusri jagah pe shift karte the. this is one theory that is the most susceptible theory, par is theory ke sath sath hi there were other theories that are also important. for example, when you talk about Indus Valley civilization, there are approximately 1500 sites that are being found. These 1500 sites are spread over 1.5 million square kilometer, and they had an influence over 1.8 million square kilometer. Itna influence. For example, in the north it is Manda, in the south it is Daimabad, in the east it is Alamgirpur, in the west it is Sutka Gendor that was there. Sutka Gendor is basically in the Baluchistan region, Gujarat wali region ke aas pass, western UP, Kashmir region. Firstly, total sites कितनी है, सबका नाम याद रख सकते हो, नहीं रख सकते, obviously human mind है, ये तो history है, बाकी और भी बहुत कुछ है. इस बार एक question आया था, which of the following is not a Harappan site, कैसे पता लगेगा, मैं भी पूरी नहीं करवाऊंगा, कोई भी पूरी नहीं करवाएगा, पता कैसे लगेगा. one of the option, और ये है वेस्टर्न यूपी में, वन ऑफ द ऑप्शन दैट वॉज गिवन वॉज सोहगढ़ा. ये हम करेंगे ऑलरेडी, इस बुक्स में भी है, ये बुक्स काफी पहले की प्रिंट हुई है. सोहगढ़ा इज बी मेंशन दिस, जब हम करेंगे ना वो वाला चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे फेमीन आएगा, फेमीन आने के बाद ही वुड बी मूविंग टू साउथ इंडिया, श्रवण बेलगोल जहां पे वो मूर्ति बनी हुई है, उसका एविडेंस कहां से मिलता कि वो मूव कर गया था वहां से. एक तो वहां पे साउथ इंडिया में दो उसके इंस्क्रिप्शन भी है, सोहगढ़ा एंड महास्थान. ये कहां पे है, बंगाल रीजन वाले में. अभी दिखा देता हूं, पेज नंबर खोलो. पेज नंबर 80, मिसलिनियस में सेकंड पॉइंट. सोहगढ़ा महास्थान, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं. और भी एक क्वेश्चन आया था अशोक राजा, वो भी इसी में है. पढ़ा होता है पूरे का पूरा मौर्य, लेकिन दो क्वेश्चन छोड़ा है, दो क्वेश्चन चार नंबर, और कुछ ने तो गलत भी किया होगा, तुक्का भी मारा होगा. ठीक है, देख दो और भी उठ गए, छह नंबर कहीं चले गए. और यही अगर आपने किया होता तो छह नंबर ऑटोमेटिकली, और दुख तब होता है जब एक दो नंबरों की वजह से फ्री रुक जाता है, तो ये क्वेश्चन और गलत, तो ये फर्क पड़ जाता है. दिस इज द रीजन बेसिकली जहां पे स्प्रेड है. नाउ फर्स्टली, सेकेंडली, द सिविलाइजेशन वॉज कंपेरेटिवली वाइड स्प्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस. Not only that, the civilization was comparatively widespread. It had an influence over 1.8 million square kilometer. Inka influence kafi jyada tha. Influence tha. And therefore, but problem kahan pe hai? Ye log the kaun? Kahan se aaye the? Expedited things or not? The civilization was comparatively widespread, but the script of the people
हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है अभी तक. फर्स्टली द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड बट द स्टाइल ऑफ द स्क्रिप्ट हैज बीन नोन, दैट इज बोस्टोफेडन. शब्द का मतलब राइट टू लेफ्ट. अगर स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा गया तो पता कैसे लगेगा अभी यहां पे है ये स्क्रिप्ट स्टाइल है. हाँ, जब यहां से इधर लिखने की कोशिश कर रहे हो इन दो शब्दों वर्ड के बीच में डिस्टेंस कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप इधर मूव कर रहे हो डिस्टेंस कम करते जा रहे हो और अपनी बात को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे ऊपर लिखते जा रहे हो. एंड दैट वॉज फॉलोड इन द सेकंड लाइन. इस स्टाइल को बोलते हैं बोस्टोफेडन स्टाइल, इस तरीके से लिखना. और हमें पता लगता है कैसे है, जैसे बच्चा कोई भी अपनी पूरा एक वर्ड पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है. द स्क्रिप्ट वॉज बेसिकली पिक्टोग्राफिक. पिक्चर्स वर यूज्ड टू कन्वे व्हाट दे वांटेड टू से. और ये लोग इतने डेवलप थे आज तक सुपर कंप्यूटर बनने के बावजूद भी वी आर अनेबल टू रीड दैट स्क्रिप्ट. इतने भी मैकेनिज्म लगा लो अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है. वो डेवलप हम थे जब वो थे पता नहीं क्या लिख गए हैं. चलो, पोस्टोफेडन स्टाइल वॉज देयर. एज द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज ऑफ नाउ, वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड कि हु वर दीज पीपल. इस थ्योरी से प्री का क्वेश्चन बनता है कि ये सिमिलरिटी थी या ये डिफरेंसेस थे. वन ऑफ द थ्योरी दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड इज दैट फॉरेन ओरिजिन थ्योरी. कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये थ्योरीज के बारे में आपको किस थिंकर ने थ्योरी दी ये याद करने की जरूरत नहीं है. उस थ्योरी के पीछे कंसेप्ट क्या है वो आपको याद करनी है. द फर्स्ट इज फॉरेन ओरिजिन थ्योरी. द थ्योरी वॉज गिवन, नाम की जरूरत नहीं है, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड. इन्होंने क्या बोला कि कुछ लोग बाहर से चल के हिंदुस्तान या इंडस वैली रीजन में आए, उनकी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, उस अर्बन सिविलाइजेशन को इन्होंने रेप्लीकेट यहाँ पे इंडस वैली वाले रीजन में कर दिया. द हु वर दीज पीपल, द पीपल दे बेसिकली केम फ्रॉम मेसोपोटामिया रीजन. दे वर अर्बनाइज्ड पीपल, उनको अर्बनाइजेशन के बारे में पता था. दे केम एंड देयरफॉर उन्होंने यहां पे आके बसा लिया. एंड द रीजन उन्होंने क्या दिया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज इमर्ज हुई बहुत ही जल्दी इमर्ज हो गई. ये बहुत जल्दी इमर्ज होने का एक ही कारण हो सकता है, बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने आके यहां पे शहर बसाए एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट. दिस कैन बी द ओनली रीजन दैट कैन बी. एंड टू जस्टिफाई देयर थ्योरी दे हैव आल्सो गिवन वेरी सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. What they say that both these civilization were comparatively urban civilization. तो क्या बोला कि दोनों के दोनों civilization was comparatively urban. Both these civilization was pictographic. Both these civilization used burnt bricks. Both these civilization used pottery. Both these civilization use seals, etc. काफी similarities दी है. इस similarities की basis की वजह से कहा जाता है that is the people who came from Mesopotamia and they settled in the Indus Valley region and started their own civilization. No doubt that similarities are there. But जब deeper analysis इस theory का करते हैं, the urbanization in Mesopotamia was comparatively less as compared to the urbanization that was there in Indus Valley region. No doubt that the pottery was pictographic script was there, but the signs that were used by these people were approximately 900 signs, or in case signs the 396, or in case script decipher ho chuka hai ya abhi tak decipher nahi ho chuki hai. Agar similarity hoti to ye bhi decipher ho jana tha. Burnt bricks were used there, yes, but these burnt bricks were not standardized. Indian bricks were highly standardized in the ratio 1:2:4, length is to breadth is to height. Standardized, एक ही साइज के वहां के ब्रिक्स थे. पॉटरी वॉज ऑल्सो यूज बाई बोथ ऑफ दम, पर इंडिया की पॉटरी कंपेरेटिवली बेटर थी. ब्रॉन्ज सील्स वर यूज, सील्स थी बट इनकी बेसिकली सील्स थी सिलेंड्रिकल इन शेप एंड दे वर बेसिकली मेड ऑफ क्ले. इंडिया में भी सील यूज होती थी बट दी सील्स वर रेक्टेंगुलर और दे वर स्क्वायर इन साइज एंड दे वर मेड ऑफ अ सॉफ्ट स्टोन.
स्टेटाइट जिसके वो बने होते थे. बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड, ब्रॉन्ज वर आल्सो यूज्ड. फॉर एग्जांपल इट वाज कंपेयर्ड लेस, इट वाज कंपैरेटिवली मोर. Therefore, on the basis of the fundamental differences, the theory that a people, they came from outside, they settled into this region and gave birth to Indus Valley civilization stands rejected. Pehli theory mein koi problem? Second, another theory that has been given is regarding the Aryan. That it was the Aryans who were responsible for giving birth to Indus Valley civilization. And base kya banaya hai inhone? The base is that the geographical location that was occupied by both of them is comparatively same. Jiski wajah se kaha ki it was basically the Aryans. And to support their theory, they have also given various evidences. The evidences has been given basically in the context of archaeological and literary evidences. Kyunki archaeological evidences ko kya bolte? Literary evidences. For example, in the Vedic literature, mention words like Vitrahant, words like Harupiya have been mentioned, and they or word like Purandara etc has been mentioned. ठीक है, and geographical में इसमें archaeological evidences में this the theory says that the evidence of the bones of horse has been found from Sarkutada. This is what the theory has been given. बट जब हम इस थ्योरी का भी डीपर एनालिसिस करते हैं, देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस दैट आर एग्जिस्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. एक जगह पे फीचर है, एक जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और फॉर एग्जाम्पल द वैदिक एज. द फर्स्ट इज बेसिकली इन द रिगार्ड ऑफ द नेचर. दीज पीपल वर कंपेरेटिवली अर्बन. दीज पीपल वर कंपेरेटिवली रूरल. रूरल थे. The economic activities, the Indus were based, people were basically involved into secondary economic activities, matlab activities other than the agriculture. Those people were basically involved into agriculture activities only. The trade was very high level. The trade was almost non-existent. Wo hum trade iske bare mein karenge. These people were comparatively materialistic. Yahan pe materialism kam tha. और कुछ भी कर लो, चाहे थ्योरी में कोई भी एविडेंसेस दे दो, लेकिन सबसे बड़ी बात है टाइम पीरियड. जो हरप्पन्स का डिक्लाइन हुआ 1750 बीसी में, आर्यन्स हमारे देश में आए 1500 बीसी. द टाइम गैप ऑफ 250 इयर्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट एनी. देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंडामेंटल डिफरेंस दिस थ्योरी इज आल्सो रिजेक्टेड. तो जो थ्योरी निकल के आती है अभी, व्हाट वाज द रीजन, इट इज बेसिकली द इंडिजिनियस थ्योरी जो हमने पहले करी थी. धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे थे, पहले से मीजो, मीजो से न्यूलिथिक, न्यूलिथिक से दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द हरप्पन साइड. जैसे ही एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया, दैट गेव राइज टू आर्ट एंड क्राफ्ट. और जैसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, दैट गेव राइज टू, और जितनी देर तक एग्रीकल्चर सरप्लस रहेगा, हरप्पन सिविलाइजेशन रहेगी. जैसे ही एग्रीकल्चर सरप्लस खत्म हो गया, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. इट वॉज बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल ऑफ प्रोटो हरप्पन कल्चर, हरप्पन फेज, दे स्टार्टेड इमर्जिंग. प्रोटो शब्द का मतलब सही है बोलो, नहीं वो प्री होता है और कुछ. प्रोटो शब्द का जैसे हरप्पन जैसे लोग इमर्ज होने लग गए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम. देयरफॉर दिस थ्योरी जो भी कि इट वॉज बेसिकली द इंडिजिनियस पीपल, दैट्स the theory that is most susceptible. Padho ek bar. ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री है, तो उसको भी फिर एक थ्योरी की तरह बताने की कोशिश करे जा रहे तो कि ज़्यादा बोर ना हो.
बताऊंगा, अभी आ रहा, अभी सिर्फ बैकग्राउंड पे है, माहौल बना रहे हैं, अभी इंडस वैली पे नहीं आए। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कुछ समझने में नहीं समझ आया? चलो नेक्स्ट इज, व्हेन यू टॉक अबाउट हरप्पन, इट इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री। विकी लिंक डाल दिया, डिवाइडेड इनटू थ्री। बेसिकली अर्ली हरप्पन, मैच्योर और लेट हरप्पन, इन तीनों को मैं डिवाइड करते हैं। अर्ली हरप्पन बेसिकली टाइम पीरियड फ्रॉम 3500 बीसी 2600 बीसी, मैच्योर हरप्पन 2600 बीसी 1800 बीसी, एंड द डिक्लाइन बेसिकली 1800 के बाद शुरू हो गया और कहीं कहीं एरियाज में तो 1300 बीसी तक भी चलता रहा। इसकी साइट्स आर इंपॉर्टेंट, वी विल बी कवरिंग इट वन बाय वन साइट। ये साइट्स का सिर्फ आपको नाम ही पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट अर्ली हरप्पन्स के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स इमर्ज होने लगी, जैसे फॉर एग्जांपल अमरी। एक इंपॉर्टेंट साइट है, यहां पे हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन एंड मड ब्रिक्स। Houses were there. Along with that, कुछ areas में fortified settlement है। Fortified शब्द का मतलब दीवार वाले boundary wall बना हुआ। Firstly, secondly, एक कोट दीजी है,
पाकिस्तान में एरिया है, वहां पे भी इमर्ज होने लगा, वहां पे भी डिफेंस वॉल, यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब अपने घर को फोर्टिफाई कर दिया, यहाँ पे डिफेंस वॉल मतलब पूरे के पूरे एरिया को ही फोर्टिफाई कर, उसके फोर्टिफाई कर दिया। नदर इंपॉर्टेंट एरिया इज मेहरगढ़, जहां पे ट्रेड स्टार्टेड एंड इट हैज लिंक्ड विद पर्शिया ऑल्सो, ट्रेड काफी डेवलप था और पर्शिया के और ईरान के लिंक्स भी थे। कालीबंगन वॉज अनदर एरिया इंडिया में, वहां पे क्या हुआ कि प्लोड फील्ड वॉज देयर, फील्ड को प्लो किया जा रहा था अलग अलग, एंड अदर हरप्पा एंड पादरी इन गुजरात मल्टीपल साइट्स से स्टार्टेड इमर्जिंग। इनिशियली में क्या था, द टाइम पीरियड क्या है अर्ली का, 1300 बीसी टू 2600 बीसी, 900 साल का टाइम पीरियड है ये, इट इज अ टाइम पीरियड। इनिशियल फेज में ये सेटलमेंट्स में एक इंडिविजुअल फीचर होते थे, कहीं पे डिफेंस वॉल है, कहीं पे प्लोड फील्ड देखने को मिलता है, कहीं पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कहीं पे ट्रेड लिंक्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि मेनी साइट्स दे वर सिचुएटेड बेसिकली ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर। फोर्टिफाई बंदा दो तरीके वजह से करेगा, पहला दुश्मनों से बचने के लिए या थीफ से बचने के लिए, या अगर वहां पे फ्लड्स आ सकते हैं तो फ्लड से बचने के लिए। तो उनको दूसरे लोगों को लगने लगा, अगर ये फोर्टिफाइड और डिफेंस सेटलमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम हमारी भी सेम है, हम क्यों नहीं कर सकते। तीसरा चौथा भी सोचने लगा, अगर ये ट्रेड लिंक डेवलप करके वर्चस्व के साथ अपने आप को अमीर कर सकती है तो हम क्यों ना डेवलप कर लें, अगर ये प्लोड फील्ड करके प्रोडक्शन और बढ़ सकती है तो हम क्यों ना करें। द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, और इस 900 ईयर्स में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन, दे स्टार्टेड इमर्जिंग। इस टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन की वजह से ही नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हर जगह पे ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि हर जगह पे प्लोड फील्ड होने लग गया, बट अपने आप को डिफेंसिव वॉल से भी बचाने के लिए मल्टीपल अदर एंड ट्रेड लिंक्स, दिस टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन विच वॉज डेवलपिंग इन दिस 900 ईयर्स बेसिकली द प्री हरप्पन फेज प्रिपेयर्ड अ सॉलिड मटीरियल बेस, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि डेवलप्ड वर्जन में देखने को मिलेगा। जो इनिशियल में कुछ कुछ साइट्स थी, लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू 1500 साइट्स, 1500 से ज्यादा साइट्स हमें देखने को मिलती है। कोई प्रॉब्लम इसमें, देयरफॉर इट वाज दिस, नाउ देयरफॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन इट स्टार्टेड। नाउ द नेम इंडस वैली, अलग अलग इसके नाम हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट वॉज बेसिकली इंडस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट सीधा सा सिंपल सा काम है। इन जंगल चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स ऑफ स्टोरीज, खत्म। इंडस जेलम चिलाब अरावी ब्यास सतलुज, इन जंगल चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स ऑफ स्टोरीज, पूरी की पूरी होगी वेस्ट टू ईस्ट। इंडस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जिसकी वजह से इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाउन टू बी फाउंड जिसकी अच्छे से एक्सक्रमेशन करी गई, दैट इज रेफर्ड टू हरप्पन सिविलाइजेशन। द सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज द अमाउंट ऑफ ब्रॉन्ज दैट वॉज यूज वॉज क्वाइट गुड नंबर। The civilization is also known as riverine civilization because all the important cities they were situated on the banks of one river or the another river. The civilization is also known as the first urban civilization because pehle bar urbanization ke feature ko ek civilization ke alag alag naam hai, koi problem. Ab now second thing that we would be doing, who were these people, ये लोग थे कौन एक्सेट्रा। देयरफॉर यहां से प्री की कई बार क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द नेचर एंड करेक्टर ऑफ दिस पीपल। जो फर्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है, आपने फर्स्ट बोलते हुए इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। अगर अर्बन सिविलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे या एग्रीकल्चर को छोड़कर किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, means secondary activities होगी, activities other than the agriculture, यही होगा। The people were involved into activities other than the agriculture।
When you talk about the Harappan civilization, the town was basically divided into two areas. Citadel and a lower town. Citadel शब्द का क्या मतलब है? कुछ भी एक हाइट के ऊपर बना हुआ है, that is a, और दूसरा यहाँ पे होगा. ये आप नॉर्मल आप एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ते हो. अब सिटाडल के अलग अलग फीचर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. सिटाडल शब्द तो ठीक है, समथिंग बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और दूसरा एक लोअर टाउन होगा. इन दोनों में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी? क्यों? वहां पे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से पॉपुलेशन भी वहां पे कंपेरेटिवली ज्यादा होगी. ठीक है, फर्स्टली. सेकंडली, नाउ सिटाडल एंड लोअर टाउन, इसके अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं. अलग अलग कैटेगरी ऑफ टाउन है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी सिटाडल एंड अ लोअर टाउन, एंड दिस इज फोर्टिफाइड, वन फीचर. सेकेंड फीचर, देयर इज अ सिटाडल, देयर इज अ लोअर टाउन, एंड बोथ ऑफ देम दे आर फोर्टिफाइड. थर्ड इज, देयर इज अ सिटाडल, देयर इज अ लोअर टाउन, एंड बोथ ऑफ देम दे आर फोर्टिफाइड, बट बाय अ सिंगल वॉल. द फोर्थ फीचर, देयर इज अ सिटाडल, देयर इज अ लोअर टाउन, एंड दे आर नॉट फोर्टिफाइड. द फिफ्थ फीचर इज, देयर इज नो डिविजन हैज बीन फाउंड, ओनली वन इज देयर. सिक्स्थ फीचर क्या है? देयर इज अ सिटाडल, देयर इज अ लोअर टाउन, एंड देयर इज आल्सो अ मिडिल टाउन. इतने तरह के टाउन्स वहां पे देखने को मिलते हैं. आप एनसीईआरटी में सिर्फ एक दो पढ़ते हो फिर बोलते पूरा हो गया, ऐसा नहीं है. इट इज दिस दो मेनी कैटेगरीज ऑफ द टाउन्स फॉर बीइंग फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. और हमें पता होना चाहिए कहां पे कौन सा फीचर देखने को मिलता है. इट वॉज बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन, इट वॉज बेसिकली डिवाइडेड इंटू सिटाडल एंड लोअर टाउन. अलग अलग जगह पे अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं. लोथल में कोई इंटरनेट विजन नहीं मिलेगी आपको, कोटरिजी में फोर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह पे है. फर्स्टली, अगर अर्बन एरियाज में है तो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा कि बुरा होगा? कंपेरेटिवली. देयरफॉर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दीज पीपल वर कंपेरेटिवली डेवलप्ड. अब बस सिंपल सी बात है, अर्बन फीचर देखने के लिए आप आज के लाइफ देख लो और रूरल एरियाज में देख लो क्या होता है. इट वॉज द ड्रेनेज सिस्टम, सिस्टम वॉज कंपेरेटिवली डेवलप्ड. There were various roads and the roads they cut each other at, and this is known as grid pattern is been found. But there is an exception to the grid pattern also. There will be a site, hum usko karenge, there the radial pattern of streets would be found. Jaise Connaught Place hai na CP, ek hi jagah pe sab roads aati hai. This will pattern will also be found. There is exception. Normal it was a grid pattern of the roads that were there. The houses which were made, ये रोड है, ये हाउस बना हुआ है, किसी भी हाउसेस का खिड़की सामने नहीं थी ना डोर सामने था. इट वॉज ओनली साइड पे, एंड देयर वर ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन द टू हाउसेस. जैसे आज तो जगह ही नहीं है बनाने के लिए, वहां पे दो घरों के बीच में भी स्पेस होती थी. द पीपल वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी. पर इसका भी एक्सेप्शन होगा, कहीं पे खुले में मिलेंगे, वो फ्रंट में मिलेगा. सम पीपल वर रिच एंड देयरफॉर, पता कैसे लगता है? From the sizes of the houses, second floor भी कहीं की बनी हुई, first floor बनी हुई है. हमें कैसे पता लगता है? मल्टी फ्लोर हाउसेज, द स्टेट्स हैव बीन मेड, और ऊपर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन है. द हाउसेज वर रिच पीपल, दे वर पीपल हु हैड पर्सनल वेल्थ ऑल्सो, अपने घर पे खूब बनाए हुए थे पानी की, ताकि दूर ना जाना पड़े. द पीपल वर रिच इन द कंटेक्स्ट दैट द फ्लोर टाइल्स वर ऑल्सो यूज बाई दीज पीपल फॉर डेकोरेशन. And therefore, multiple people were there. Different categories were there. The bricks that were used were comparatively burnt bricks in the ratio 1:2:4. The people were basically engaged into trade करेंगे. Trade उसमें trade करेंगे तो कैसे करेंगे? Barter system होगा, और तो कुछ होगा नहीं. अगर trade करेंगे, there was also a barter system that was there. अगर बाटर है तो दो चीज की इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ती है. पहला, देयर विल बी अ वेट्स एंड मेजर्स विल बी देयर. मैं तेरे को इतना दे रहा हूं तो मेरे को इतना दे दे, या किसी चीज को मेजर करना पड़ेगा. तो जैसे ही बाटर सिस्टम आ गया, दोनों की दोनों चीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. कुछ चीज हैवी है, बड़ी हो सकती है, कुछ चीज छोटी हो सकती है. देयरफॉर वेट्स एंड मेजर्स विल ऑल्सो बी ऑफ द टू कैटेगरी, स्मॉलर वेट्स एंड बिगर वेट्स. द स्मॉलर वेट्स दे बेसिकली फॉलो द बाइनरी सिस्टम. ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और जो वेट 64 के ऊपर होते थे दे फॉलो द
डेसिमल सिस्टम क्वेश्चन, तो दो तीन चीज ऑटोमेटिकली, ट्रेड आएगा तो बटर है, बटर है तो दो चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ये होगा ही होगा। अगर स्केल है तो मतलब आपको मेजरमेंट है, तो मतलब आपके पास साइन भी होंगे, द एविडेंस ऑफ स्केल विल ऑल्सो बी फाउंड। अगर ट्रेड आता है तो आपको ट्रेड करने के लिए, ट्रेड वॉज इंटरनल ट्रेड, ट्रेड वॉज इंट्रा ट्रेड, ट्रेड वॉज एक्सटर्नल ट्रेड, कुछ एक्सपोर्ट करो, कुछ इंपोर्ट करोगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे, फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, मल्टीपल थिंग्स वुड बी देयर। तो ट्रेडिंग रूट आपको पता होना चाहिए। तो हाउ ट्रेड कैसे होगा, द सिटीज दे वर बेसिकली मेड ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर्स, तो रिवर से भी होगा ट्रेड, या लैंड से ट्रेड होगा, या सी से भी ट्रेड होगा, तीनों की तीनों जगह पे ट्रेड हो सकता है। अगर सी से ट्रेड करना है तो क्या आपके पास पोर्ट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, डेफिनेट है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। देयरफॉर द एविडेंस ऑफ पोर्ट्स कहां पे, कोस्टल एरिया में मिलेंगे आपको, द पोर्ट्स हैव आल्सो बीन फाउंड द कोस्टल एरियाज। अगर पोर्ट्स है ट्रेड करोगे तो शिप भी चाहिए, द एविडेंस ऑफ शिप्स हैज आल्सो बीन फाउंड एट मल्टीपल प्लेसेस, द पीपल वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कुछ लोग हैं एग्रीकल्चर में नहीं इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, तो सब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट खुद बनाएंगे या कुछ नौकर भी रखेंगे, नौकर भी अमीर लोग हैं तो रखेंगे। देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेव्स क्वार्टर हैव बीन फाउंड, स्लेव्स क्वार्टर है तो उनको खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तो देयरफॉर ग्रीनरी विल ऑल्सो बी देयर, क्योंकि खुद भी नहीं करते, खुद के लिए भी कुछ ना कुछ चाहना चाहिए और उनके लिए भी, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीनरी हैज ऑल्सो बीन फाउंड। सच अ टाउनशिप वॉज देयर, अर्बन सिविलाइजेशन वॉज देयर, लेकिन एक बात श्योर, अगर इतनी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, वेट्स एंड मेजर स्टैंडर्ड होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे एक किलो लगा, यहां पे एक किलो लग हो जाएगा। अगर वर्ल्ड ब्रिक्स का रेशियो सेम है, टाउन इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ग्रीनरी या स्लेव्स क्वार्टर है, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्मिटी होगी। तो देयरफॉर, लेकिन स्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं गई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज बताई है। व्हाट हैज बीन सेड इज दैट, अगर वहां पे कुछ सेंट्रल अथॉरिटी है, द डिफरेंट एग्जांपल्स हैव बीन गिवन, कुछ लोगों ने बोला कि किंग होता था जी वहां पे, सेंट्रल अथॉरिटी है तो किंग ही होगा, कुछ लोगों ने बोला किंग नहीं था, बाबा था वहां पे, एक प्रीस्ट हो सकता है वहां पे, थर्ड लोगों ने बोला कि देवर द मर्चेंट, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मोस्ट प्रॉबली पूछा जाए आपसे, विच वॉज द रूलिंग अथॉरिटी, इट वॉज द, बिकॉज दीज पीपल वर बेसिकली इंगेज इन टू ट्रेडिंग एंड अदर एक्टिविटीज दैट वर सस्टेनिंग द हरप्पन इकॉनमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आई, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सोशल कल्चरल लाइफ, द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ दीज पीपल वर हाईली इवॉल्व्ड। अगर आज के बच्चों को बोलो कि खेलो, तो कहां पे खेलेगा वो, पबजी खेलेगा, फोन पे खेलेगा। आप जब बचपन में छोटे से थे तो पबजी था वहां पे, फिर कहां पे खेलते थे, बाहर गलियों में, क्रिकेट खेली, मारपीट खेला, ये किया वो किया। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व होती जाती है, हम इंडोर होते जाते हैं, दिस सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो इवॉल्व, पीपल वर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। चिल्ड्रन के लिए क्या था वहां पे, और एल्डर्स के लिए और यंग के लिए वहां पे, द गेम ऑफ चेस हैज बीन फाउंड। इंडोर ज्यादा रहने की बात कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स ऐसी मिली हैं या डांसिंग पोस्चर में है, अगर डांस है तो म्यूजिक भी होगा, एवरी वन इज नॉट बॉर्न पंजाबी की, वो जनरेटर पे भी नाच लेंगे, ठीक है, ऑन अ लाइटर साइड, डांसिंग है तो म्यूजिक भी होगा, देयरफॉर एविडेंस ऑफ डांसिंग हैज आल्सो बीन फाउंड। लोग अपने आप को श्रृंगार के रखते थे, खुश रहते थे, ठीक है, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक हैज बीन फाउंड, एविडेंस ऑफ वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स क्या होता है, है? क्या पता तेरे को, वो श्रृंगार वाला डिब्बा जो होता है लड़कियों का, दैट हैज आल्सो बीन फाउंड। मतलब दीज पीपल द पीपल दे यूज टू बी मेटल स्टोन्स, ऐसे हार बने थे, लड़का लड़की दोनों डालते थे, इयर रिंग्स दोनों डालते थे, मीन्स दीज पीपल वर कंपेरेटिवली इवॉल्व्ड पीपल। द ट्रेड एंड कमर्स वॉज हाईली डेवलप्ड, द ट्रेड वॉज डन विद मेसोपोटामिया, ट्रेड वॉज डन विद द पर्शियन गल्फ ऑल्सो।
इट वॉज अ मल्टी क्लास सिविलाइजेशन, मल्टी क्लास सिविलाइजेशन का मतलब देवर रिच पीपल दैट वॉज देयर, देवर पुअर पीपल दैट वॉज देयर. हमें कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑफ द हाउसेज दैट आर देयर, बिकॉज ऑफ द ग्रेव गुड्स दैट हैज बीन फाउंड. अगर कुछ गरीब लोग है तो वहां पे कुछ थोड़ा बहुत रख दिया जाएगा, अगर कुछ कुछ अमीर बंदा मरा तो माहौल भी ताकि वो अगले जन्म में भी ऐश कर सके तो मस्त था कुछ रखा होगा वहां पे. दैट वॉज ऑल्सो देयर. द पॉपुलेशन, शहरों में होमोजीनियस पॉपुलेशन होते कि हेट्रोजीनियस? द पॉपुलेशन देयर फॉर वर हेट्रोजीनियस. Population that was there. People from Alpine region, people from Mediterranean region, people from, for example, Australites were there. अलग अलग लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं. हमें कैसे पता लगता है? From the carbon 14 analysis that has been done. It was basically an advanced civilization because the science and technology was highly developed. कैसे पता लगा? There was a great bath has been found. ऐसे बना हुआ है, यहां से पानी का इनलेट है, यहां पे बाहर जाता है, यहां पे थोड़ी स्टेयर बनी हुई है, यहां पे एक रूम्स बने हुए हैं. कोई माहौल बनने के लिए बनाया होगा वहां पे कुछ, ठीक है? स्विमिंग पूल बात बात बढ़िया सा. लेकिन इतना बड़ा बनाना, आपके लिए इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात तो श्योर है, अ प्लेट अ बिल्डिंग हैज बीन फाउंड. एक बड़ा सा हॉल है जिसमें ऐसे पिलर्स बने हुए हैं. Definitely that involves civil engineering skills. Therefore, the civil engineering skills were there. Agar they were using bronze, kis kis metal ko milke banta hai? Copper plus tin. Matlab unko metals ke mixing ke bare mein bhi knowledge tha. Not only this, but various kuch evidences aise paye gaye hain. Inka surgical skills bhi kafi acche hain. Kisi ka ye sir hai, yahan pe bimari hogi, aise hold kar dete the. निकाल देते थे बीमारी. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बंदे की डेथ इसकी वजह से नहीं होती थी. ऑपरेट हो गया, काफी साल जिया, उसके बाद मरता मरता था वो. ये तो उस टाइम की बात है. आज अगर आप कुछ अफ्रीका में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, उनको कैंसर एक्सेट्रा की प्रॉब्लम है और सिर में होता है, यहां पे हो गया तो वो क्या करते हैं? इतना सर ही काट देते हैं. एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर, वो ऐसे ही रहे. अगर किसी के यहां पे हो गया प्रॉब्लम है तो ऐसे सिर ऐसे काट देते हैं. और एक बात, अभी रिसेंट बात कर 2020 की बात कर, 19-20 की बात कर रहा हूं, और जब ऑपरेशन करते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो निकालता रहता है उसका सिर का मांस, बिना कुछ, बिना बेहोश करे उसको एक जूस सा पिला देते हैं, वो माहौल बन जाता होगा उसका, ठीक है? और फिर उसके बाद वो कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं वो दो दो दिन तक चलते रहते हैं. सबसे बड़ी बात, पीपल डू नॉट डाई फॉर दिस, इसकी वजह से डेथ नहीं होती. उस वो काफी ट्राइब्स ऐसे जिसका सिर ऐसे ऐसे करके कटा हुआ है एंड दे आर स्टिल लिविंग. एक बात तो श्योर है, इनको पता भी कौन सी नस कहां पे है, कि कौन सी नस काटनी है, इतने से कुछ नहीं हो पाएगा करेगा. एंड वो पुराने टूल्स है, जैसे वो होते हैं ना, जैसे हम प्लांट में करते हैं वो ऐसा कुछ, वैसे ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके काटते रहते हैं, चलते रहता है. अभी भी रिसेंट मतलब इनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ वाज सो मच डेवलप्ड इवन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम. वेरियस एविडेंसेस, और ये इंडिया का में ऐसे होल्ड किया हुआ है, स्किन मिलती है. Therefore, the people were comparatively evolved and comparatively developed at this point. It was also referred to as riverine civilization. Why? Because various important cities, they were based on the banks of various rivers. For example, Harappa, Ravi, Mohenjo-daro, Indus, Chennodaro, Indus and others. Multiple cities were there. And they are being baked on the banks of various rivers. Cities को इस तरीके से choose किया जाता था ताकि वहां से import और export करना comparatively आसान है. Take for example, Mohenjo-daro. It was made on the banks of river Indus. और Mohenjo-daro शब्द का मतलब है mound of the dead. Indus का nature काफी wavering था, घूमती फिरती थी, इसलिए the city was destroyed 7 times. हमें Mohenjo-daro में 7 layers देखने को मिलती हैं. The city was destroyed 7 times. It was दोबारा से 7 बार फिर बनाया गया. इतनी भी क्या जरूरत थी, कहीं और जाके रह लेते.
इट वॉज द ट्रेडिंग इम्पैक्ट आस्पेक्ट दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि तबाह हो रहे हैं फिर भी लेकिन वहां पे रहेंगे, क्यों? बिकॉज यहां भी यही एरिया है जो हमें सस्टेन और हमें लाइवलीहुड दे रहा है. कोई प्रॉब्लम? एक बार पढ़ो. हरप्पन इकोनॉमी तक पढ़ो. एनी प्रॉब्लम? आगे चलें. नेक्स्ट इज हरप्पन इकोनॉमी. अगर हम आज भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो या तो कहते हैं डोमिनेंट क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या क्वार्टरली क्वेंडरी सेक्टर की तो इतना चलो जरूरत नहीं है, हमें उतना डेवलप नहीं हुआ. प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एलिड एक्टिविटीज हो गया, कुछ भी हो गया. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट प्लस ट्रेड एंड कमर्स, और यहाँ पे इतना तो हम लेके चल सकते हैं कि उस टाइम पे सर्विसेज तो नहीं होंगी. अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इट इज बेसिकली बींग सराउंडेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज एंड बाई द प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री,
सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपका आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाएगा, इसी के सराउंडिंग पूरा घूम जाएगा। फिर टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी क्रॉप्स वर ग्रोन। द मेजर क्रॉप दैट वाज ग्रोन वाज व्हीट एंड बार्ले, बट द एविडेंस ऑफ राइस हैज ऑल्सो बीन फाउंड, एविडेंसेज ऑफ इंडिगो हैज ऑल्सो बीन फाउंड। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो हैज बीन फाउंड फ्रॉम ट्रेजरी, राइस द एविडेंस ऑफ राइस हैज ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। नॉट ओनली दिस बट सम पीपल वर एंटरप्रेन्योरिंग और कुछ रिस्क लेने को भी तैयार थे। आज मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता कि नहीं होता, दे हैव ऑल्सो प्रैक्टिस मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑल्सो। नो डाउट दैट जो शहर है वो रिवर्स के आसपास थे, लेकिन जो इरिगेशन है, जो दूर फील्ड्स है, उनको भी तो पानी चाहिए था, तो उनके पास कैसे जाएगा, कैनाल्स या कुछ भी। देयरफोर अगर एग्रीकल्चर है तो कैनाल्स भी होंगी, कैनाल्स है तो इरिगेशन भी होगा, इरिगेशन है डैम्स भी हो जाएगा। देयरफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल इरिगेशन हैज बीन देयर फ्रॉम अलादीनो इन सिंध। Existence of dams have been found from Damabad and at other places also. वहाँ पे dams, Dholavira भी देखने को मिलता है आपको, dams देखने को मिलते हैं। So therefore all these things are associated with agriculture. When the certain animals are there, buffaloes were there, cows were there, multiple animals were there, sheep, goat were there, they were domesticated. Not only cow, sheep, goat and other were domesticated, but even elephants were domesticated by these people. Were domesticated. Deers were known to them, but horse was not known to them. Horse, इनको horse के बारे में knowledge नहीं था। जो evidence भी है कि जैसे हम Aryan invasion theory के किया था, horse was found at Sarkotada, जब उसका carbon 14 analysis करते हैं, तो bone, they are not the bones of horse, but they are basically the bones of donkey. No, horse के बारे में इनको knowledge नहीं थी। So therefore, elephant was domesticated, other animals were also domesticated by these people. Next is art and craft, मतलब कौन कौन से artisans वहाँ पे थे। The goldsmith was there, सिल्वर स्मिथ वॉज देयर, ब्रेक मेकर वॉज देयर, स्टोन कटर वॉज देयर, एक्सेट्रा, मल्टीपल एक्टिविटीज देवर, बीड मेकर वॉज देयर, बीड्स बनाते थे देवर देयर, एंड बनाने के बाद दे यूज टू कैरी आउट ट्रेड। ट्रेड वॉज इंट्रा ट्रेड विद इन द रीजन ओनली, इंटरनल ट्रेड विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन वाला रीजन, द एक्सटर्नल ट्रेड विद अदर पर्सन ऑल्सो। अगर ट्रेड आ जाएगा तो वन थिंग वुड बी देयर कि कुछ तो एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा। व्हाट वाज एक्सपोर्टेड बाय इंडियंस, एक्सपोर्ट वाज बेसिकली मेड ऑफ फूड ग्रेन्स, कॉटन, आइवरी गुड्स एक्सेट्रा, और इंपोर्ट क्या करवाते थे, प्रीशियस मेटल्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हम सिंपल चीज बेचते थे और इंपोर्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवाते थे। वन थिंग बिकम्स क्लियर इन दैट रिगार्ड दैट इट वॉज कंपेरेटिवली सरप्लस ऑफ द ट्रेड दैट वॉज देयर, ट्रेड वॉज सरप्लस फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और एक्सटर्नल ट्रेड इस तरीके से था दैट There is another town जिसके साथ हम ट्रेड करते थे, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इन द एक्सटर्नल ट्रेड वी यूज टू ट्रेड विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट वाला रीजन, एंड इवन विद पर्शिया। अब हमें कैसे पता लगता है, देयर कैन बी आर्कियोलॉजिकल रीजन और देयर कैन बी लिटरेरी एविडेंस, दो ही एविडेंस हो सकते हैं। हमारा लिटरेचर तो पढ़ी नहीं गई है, मतलब उनका पढ़ा गया होगा, मेसोपोटामिया का पढ़ा गया है। द मेसोपोटामिया लिटरेचर मेंशन थ्री वर्ड्स, दैट इज दिलमन, मकान, मलुहा। दिलमन मीन बहरेन, मकान मीन्स माकरान कोस्ट, मलुहा मीन्स हरप्पा। देयर लिटरेचर मेंशन दीज वर्ड्स, एक बात तो क्लियर है कि वी वर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जिसके साथ वो ट्रेड करते थे। Not only their literature mentioned these words, but another evidence has been found that Mesopotamian seal has been found in our cities, for example, Mohenjo-daro. And our seals have been found in their places. Persian Gulf seal has been found in another our cities, for example, Lothal. And unki seals hamare jagah pe mili hai, hamari seals unki jagah pe mili hai. Pata kaise lagta hai? Their seal were basically cylindrical in nature. इंडियन सील देवर आइदर रेक्टेंगुलर और देवर स्क्वायर, और इनकी सील वर सर्कुलर बटन शेप सील। द
existence of seals in other places gave a clear indication that there was a good amount of trade that was going on. That was trade करेंगे तो आपको weight and measure भी होगा, जैसे बताया था. Trade करेंगे तो आपको scales भी होंगे. The evidences of weights and measure, the evidences of scales have been found at various other places also. The Persian Gulf seal has also been found अलग अलग जगह पे. Major trade किसका होता था? One of the most important items of trade was bead. बुहार के मनके टाइप से बनते हैं. They were being traded. और important bead making factories were found at Channodaro, Lothal, etc. वहां पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है यहां पे इनके लिए, इसके लिए फेमस होते थे. ट्रेड करेंगे तो आपको डॉकयार्ड भी चाहिए. एविडेंस हैव बीन फाउंड एट लोथल. ट्रेड करेंगे तो आपको सी पोर्ट भी चाहिए. द एविडेंसेस ऑफ दैट हैज आल्सो बीन फाउंड एट वेरियस प्लेसेस. कुछ इंपोर्ट भी करवाएंगे, कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे. टू थिंग्स वुड बी देयर. व्हाट वाज द रॉ मटेरियल दैट वाज इंपोर्टेड? फॉर एग्जांपल, अलग अलग जगह से है मेटल्स दैट आर इंपोर्टेड. एंड एरियाज कौन से? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड. इट वॉज बेसिकली इंपोर्टेड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड गोल्ड ऑल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान वॉज कमिंग. टिन दैट वॉज अफगानिस्तान से आता था. जेड एक मेटल, टर्कवाइज से आता था. स्टेटाइट आता था बेसिकली ईरान से. अदर मेटल्स वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो यहां से आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल कौन से एरिया से आ रहा था. एंड देयर फॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एक बार पढ़ो हरप्पन इकोनॉमी. हाँ हाँ बिल्कुल. कपड़े वक्त बनेंगे. नेक्स्ट इज हरप्पन रिलीजन. लिटरेरी एविडेंसेस तो नहीं है. वन थिंग बिकम्स क्लियर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही पता लगेगा. वेरियस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ व्हाट वाज द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द हरप्पन लाइफ दैट हैज बीन नोन दैट थ्रो अ लाइट अपॉन देम. तो क्या पता लगता है? देवर बेसिकली नेचर वर्शिपर्स.
नेचर को वर्शिप करते थे। हमें कैसा पता लगता है? फर्स्टली द टेम्पल हैज नॉट बीन फाउंड, कोई टेम्पल नहीं मिला, विच बिकम मेक इट क्लियर दैट टेम्पल वॉज नॉट अ प्लेस विच सेंटर्ड डिफरेंट पीपल विच अराउंड विच पीपल डिफरेंट पीपल सराउंडेड। ठीक है, वहां पे ऐसा था कि लोग अपनी पर्सनल पूजा करते हुए एक्सपाइजर थिंग्स कैन बी देयर, बट टेम्पल वहां पे नहीं था फर्स्टली। लेकिन द नॉलेज ऑफ फायर वॉज देयर एंड फायर वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू दिस पीपल। देयर फोर द फायर वर्शिप हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन द कंटेक्स्ट दैट फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल, फ्रॉम कालीबंगन, फ्रॉम बनावली एक्सेट्रा, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, देव इधर ऑल्सो बीन फाउंड। नॉट ओनली दिस बट ग्रेट बाथ, जो आपको बताया था, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, इनलेट आउटलेट ऊपर रूम रहते लोग रहते थे। बट ऑल्सो द वर्शिप ऑफ प्लांट एंड ट्रीज वर ऑल्सो देयर। हमें कैसे पता लगता है? दे ऑन फ्रॉम द वेरियस इंस्क्रिप्शन दैट हैज बीन मेड ऑन द सील। सील में क्या हुआ कि एक प्लांट के वृक्ष हैं, उसके ब्रांचेस हैं, उसको ऐसे साइड पे करके कोई देवी देवता वहां पे उसको देख रहा है और आगे पांच छह लोग खड़े हैं, मतलब उसको ऑफरिंग देने के लिए, मतलब दैट प्लांट वाज आल्सो देयर। नॉट ओनली दिस बट सेमी गॉड वर आल्सो देयर। कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आधा मेल है आधा फीमेल है, कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो आधा ह्यूमन है आधा फॉर एग्जांपल एनिमल है, सेमी गॉड्स हैज आल्सो बीन, उस तरीके से लोगों को भी उनको मानते थे, दैट हैज आल्सो बीन फाउंड। एनिमल्स वर इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वॉज यूनिकॉर्न बुल, जिसमें एक सींग वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आज की बात करते हैं कौन से गॉड हैं जो एनिमल के साथ एसोसिएटेड हैं, शिव जी यहां पे भी थे, देयर वाज अ गॉड दैट वाज देयर, उनको बोला था प्रोटो शिव। इवन फाउंड बेसिकली एक यहां पे एक टेबल है, यहां पे बैठे हुए हैं शिव जी बैठे हुए हैं, ही हैज बीन सराउंडेड बाय फोर डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, और टू डियर्स आर इन नीचे है, दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑफ दैट प्लेस विच सेज दैट वो प्रोटो शिव, शिव जी जैसे भगवान थे। वट आर द एनिमल्स दैट वर देयर? एलिफेंट, टाइगर, राइनासोरस एंड बुल, दीज आर द एनिमल्स दैट हैज बीन फाउंड। टाइगर यूजली आप सील्स में देखने को मिलता है, बट लेपर्ड हैज नॉट बीन फाउंड। क्यों? टाइगर मिलता, लेपर्ड नहीं मिलता, क्यों? बहुत ही रेयर मिलता है। उसका रीजन बीइंग दे हैड नॉट मूव्ड इनटू द डेंस फॉरेस्ट, जिसके बारे में इस एनिमल को उनको कंपैरेटिवली कम पता था। दे हैड आल्सो बिलीफ इन द फर्टिलिटी कल्ट, मतलब शिवलिंग के बारे में उनको पूजा थे। हमें कैसे पता लगता है? द एविडेंस ऑफ फेलस शिवलिंग हैज बीन फाउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन मोहनजोदारो, द कॉर्नर ऑफ एवरी हाउस। मोहनजोदारो के हर घर के कॉर्नर में आपको शिवलिंग वहां पे देखने को मिलेगा, मतलब है कि वो शिवलिंग फेलस वर्शिप फर्टिलिटी कल्ट को भी मानते थे। दे ऑल्सो हैड अ बिलीफ इन द चार्म्स एंड एमुलेट्स, जादू टोना, मतलब कि आप लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते तभी जादू टोना की बात आएगी, बस दैट वाज देयर। नॉट ओनली दिस बट देयर ऑल्सो हैविंग अ बिलीफ इन सर्पेंट वर्शिप, नाग देवता की वर्शिप भी करते थे, मल्टीपल थिंग्स वर देयर। एंड दीज पीपल यूज टू बरी देयर डेड बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेज, मुर्दा को दफनाने के अलग अलग तरीके थे। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट बरियल वॉज देयर, दैट हैज बीन फाउंड एट हरप्पा, ये पूरे का पूरा इंसान को दबा दिया। फ्रैक्शनल बरियल था, आधा दबा दिया आधा छोड़ दिया, भगवानपुरा। पिट बरियल, थोड़ा सा गड्ढा किया उसमें कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कालीबंगन। एक पॉट बरियल, कुछ अस्थियां या किसी उसको इकट्ठा करके दबा दिया, सरकुटाडा हैज बीन फाउंड। एंड इंपॉर्टेंट इज डबल बरियल, द बरियल ऑफ मेल एंड फीमेल दैट वॉज डन टूगेदर एट लोथल एंड एट कालीबंगन। But one thing that was very clear to these people, these burial grounds were away from the habitation area. जहाँ पे वो लोग रहते थे उससे burial ground थोड़ा दूर थे, इसका एक मतलब clear हो जाता है कि they were very much concerned about the civic sense. Civic sense के बारे में इनको काफी ज्यादा पता था। आज हम यहीं रोकते हैं क्लास, कल कंटिन्यू करेंगे। Tomorrow, from tomorrow the class will be of 4 hours only. कल से continue करते हैं क्लास को। अगर इसी तरीके से चलते रहे और घर पे जाके पढ़ते रहे, things would be comparatively simpler for you people only.
थोड़ा सा रिवाइज करो, जितना पढ़ा रहे हैं उतना कम से कम याद कर कराओ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस ऑल्सो टू गो इन अ फ्लो. और ज़्यादा नहीं यार, 20 पेजेस के 18 20 पेज ही हुए हैं, ठीक है. कल वाली क्लास में कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 4 आवर्स की क्लास होगी, 2.5 आवर्स के आसपास ही है. अगर इतना जितना जितना करवाते जा रहे हैं, अगर इतना भी करके चले जाओगे इसका भी, तो 70 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं. फर्स्टली, सेकेंडली, कल आपका प्री निकलता है, इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स. वी आर देयर ओनली टू पॉलिश यू, वी आर देयर ओनली टू हेल्प यू एंड गाइड यू. इस पूरे चक्कर में जो सब लोग फंसे हुए हैं, ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, और फिर भी प्री नहीं निकल रहा, सब सोर्सेज पता होने के बावजूद, उसका एक सिंपल रीजन है, गाइडेंस इज नॉट देयर एट ऑल. आप पढ़ने के लिए तैयार हो, अगर आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें घर पे लाके रखते हो, तो एक इंटेंशन तो पढ़ने के लिए लाके रखते हो. ऐसे थोड़ा ना कि मैं समोसे मंगवाऊंगा, उसका पेज फाड़ूंगा, चटनी रखूंगा उसके ऊपर और फिर खाऊंगा, नहीं. उसको इट इज ओनली यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम दोज दैट, लेकिन उस किताब में पढ़ना क्या है, दैट इज वॉट यू डू नॉट नो. यू आर विलिंग टू, मेजोरिटी स्टूडेंट्स हु कम टू दिल्ली, या घर पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर वो जैसे पढ़ रहे हैं, वन थिंग इज फॉर क्लियर दैट दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, एक बात तो श्योर है. और एक से दूसरे साल में आप जा रहे हो, मतलब आप घर वालों की वजह से नहीं हो, अपनी वजह से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेजोरिटी हमें ये लेके चलती है, तो फिर कमी कहाँ रहती थी, कमी फिर आई वुड से इज बिकॉज ऑफ गाइडेंस ओनली. You are willing to work hard, but you do not have a direction. इसी direction को सही करने के लिए. Normally क्या होता है, आपको पता है दो राम है वहां पे बड़े बड़े, जब उनसे बंदा तृप्त हो जाता है तो गंगाराम में चला जाता है, वहीं जाता है बीमार होने की बात, ठीक है. जैसे मैन माई नेम इज लक्ष्मण, नॉट नो नो टू गो टू थर्ड राम, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ. चलो ठीक. It is important in this regard is to give you a good direction. जब 500 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, उसमें से 5-7 ही निकलते हैं, ये आपको ही पता और हमें भी पता है, इससे ज्यादा रेशियो नहीं होती. और ये भी वो निकलते हैं जिसका मामा चाचा ताया फुआ फुफड़ एक्स वाई जेड, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया होता है, बेटा ये पढ़ लेना वहां पे जाके, और डायरेक्शन वो दे देंगे. इस 5-7 बच्चे 500 में से निकल के कौन सा तीर मार लिया, रेशियो तो देखो क्या है, कुछ भी नहीं है. और ये 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 में से 45 निकल रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वालिटी, दैट इज फर्स्टली. सेकंडली, जिस साल पढ़ रहे उसी साल निकालो ना, तो माने 4 साल बाद तो बच्चा वैसे ही निकल जाएगा, अगर पढ़ रहा है तो प्री तो निकल ही जाएगा. जिस साल पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, उस साल एग्जाम निकालो तो मानेंगे कि इंस्टीट्यूट की कॉन्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो नहीं है, बस एज सिंपल एज दैट. और हाँ, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोवाइडेड आप भी साथ में पढ़ रहे हो, तो ऐसे हम तो चलो पढ़ा रहे हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं सर मस्ती से, हमने तो क्या कि वी आर टीचिंग यू, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो. हैव ट्रस्ट ऑन अस, हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, एग्जाम विल डेफिनेटली बी क्लियर. कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच.